कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं, या लाइव क्लासेस हमारी 21 नंबर की है, यानी कि 21वें नंबर की एक क्लास है, लेकिन समुद्र विज्ञान है वो हमारे तीसरे नंबर का है, मतलब तीसरी क्लास है समुद्र विज्ञान की, और आपको दो क्लासेस और मिलेंगी समुद्र विज्ञान की, और वहां पर आपको जो समुद्र विज्ञान यहाँ पर जो हमें पढ़ाना था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा जो नीतल में किस प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, तरंगों के द्वारा किस तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक हम कवर करेंगे आपके लिए जब भूआकृति विज्ञान अभी स्टार्ट करेंगे। 2 से 3 दिनों के बाद में आपकी भूआकृति विज्ञान स्टार्ट होने वाली है, तो वहां पर जो शेष टॉपिक बचा हुआ है वो उससे रिलेशन रखता है। हम पहले ही आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिए थे कि कहाँ पर कौन सा टॉपिक आप लोगों के लिए पढ़ाया जाएगा। ओके, तो कल और परसों, यानी कि कल तो संडे, कल क्लास नहीं होगी आपकी, परसों और नरसों आपकी जो क्लास होगी उसमें आपका समुद्र विज्ञान यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा, और जो शेष बचा हुआ है वो भूआकृति विज्ञान से संबंध रखता है, इसीलिए वहां पर आप लोग के लिए पढ़ाया जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और जो लोग हमारे प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये वाली वीडियो है हो सकता है यूट्यूब पर भी पड़े। ओके, और जो लोग आगे हैं वो एक बार मैसेज करें, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, और जाकर के एक बार ग्रुप में मैसेज जरूर कर दें कि लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई है, लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है ऐप इंस्टॉल जरूर कर लें। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है समुद्र विज्ञान में, आज हम लोग देखेंगे किस तरह से जल धाराओं का निर्माण होता है, जल धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है, और इतनी जो कॉम्प्लिकेटेड चीज आपको देखने को मिल रही है ये आखिर कैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आसानी से हम एक अप्रोच के साथ में इसको पढ़ सकते हैं। और वास्तव में अगर आपने कभी भी जल धाराएं नहीं पढ़ी हैं और आपको थोड़ा सा मैप का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो आप लगभग में 60 से 70% जल धाराओं के बारे में तो जानते ही हैं। और आज हम पे ऐसा कॉन्सेप्ट बना देंगे कि आप कितने भी फैक्ट से रिलेटेड होंगे आप खुद से फैक्ट बना देंगे, जो फैक्चुअल चीजें होती हैं वो खुद बताने लगेंगे, एक बेस आपको इस तरह से दे देंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है महासागरों की जल धाराएं। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो आप लोगों के लिए हेडिंग डालना है महासागरों की जल धाराएं। ओके, तो देखिए इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो देखिए इसमें हम लोग देखेंगे यहां पर जिसको ओशन करंट के नाम से भी इंग्लिश में जानते हैं, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए ओशन करंट। ओके, तो देखिए इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो इसमें देखिए हम आपको पढ़ाएंगे, नंबर एक आपको देखने को मिलेगा कि महासागरीय परिसंचरण, महासागरों में जो आपको जल देखने को मिलेगा वो स्थिर नहीं रहता भी, जैसे आपके ग्लास में कटोरी में जो पानी होता है वो आपको स्थिर देखने को मिलेगा, इसी तरह से आप अगर छोटे एरिया में अगर देखेंगे जल तो वो लगभग में स्थिर रहता है, उसमें परिसंचरण नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे हम उसका आकार बढ़ाते चले जाएंगे, आप लोगों ने देखा होगा जो बड़े तालाब होते हैं थोड़े से, या फिर आप लोगों ने झीले देखी होंगी उसमें हल्की हल्की इस तरह से तरंगे उत्पन्न होती रहती हैं। ओके, वो पानी हल्के हल्के मूवमेंट करता रहता है, और इसी तरह से हमारा जो महासागर है, महासागर तो बहुत बड़े हैं, तो महासागर इतने ज्यादा बड़े हैं तो इनके अंदर वो छोटी छोटी सिर्फ वेव उत्पन्न नहीं होती, छोटी छोटी लेयर्स जो उत्पन्न नहीं होती, बल्कि आपको बड़ी बड़ी जल धाराएं देखने को मिलेंगी जो एक निश्चित दिशा में बर्फ भर चलती रहती हैं, तो उन्हीं का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो महासागरीय परिसंचरण के बारे में बात करेंगे, महासागरीय परिसंचरण। ओके, महासागरीय परिसंचरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओशन सर्कुलेशन, ओशन या फिर ओशनिक सर्कुलेशन। ओके, तो देखिए इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो देखिए इसमें आपको बहुत सारे टर्म देखने को मिलेंगे, जैसे कि जलधाराएं, तो जलधाराएं किसे कहते हैं, हम इसकी डेफिनेशन को समझने का प्रयास करेंगे। तो जलधारा हम लोग देखेंगे कि आखिर जलधारा से तात्पर्य क्या है, जलधाराएं किसे कहते हैं, नंबर दो हम लोग देखेंगे ड्रिफ्ट के बारे में, आखिर जलधारा और ड्रिफ्ट में एक बेसिक डिफरेंट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए ना, तो हम लोग बात करेंगे ड्रिफ्ट की। ओके, इसी तरह से आपको तीसरा देखने को मिलेगा स्ट्रीम, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, तो आखिर ये स्ट्रीम क्या है, हमारे पास जगह कम है इसलिए हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, आप लोग अच्छे से लिखिएगा। ओके, तो देखिए स्ट्रीम इंग्लिश में भी इसको क्या बोलेंगे भाई, स्ट्रीम ही बोलेंगे। ओके, और चौथा आपको देखने को मिलेगा सरपण। ओके,
आखिर ये सर्पण जिसको बोलते हैं रीफ बोलते हैं, ओके। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, आखिर हम कैसे बोलेंगे कि ये ड्रीफ है, ये स्ट्रीम है, ये सरपण हो रहा है या फिर ये जलधारा है। तो एक आपको ये अप्रोच दे देंगे जिससे आप लोग आराम से बता देंगे कि ये जलधारा है, इसमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है, क्या चीज है, ओके। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि जलधाराओं की उत्पत्ति को निर्धारित करने वाले कारक, जलधाराओं की उत्पत्ति उत्पत्ति को निर्धारित करने वाले कारक, निर्धारित करने वाले कारक, ओके। हम उन कारकों के बारे में बात करेंगे जिसके कारण जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। आखिर ये जलधारा चल तो रही है, लेकिन चलने के पीछे कोई ना कोई तो ऐसा कारक होगा, कोई ना कोई ऐसा तो फोर्स लग रहा होगा जिनके कारण यहाँ पर जलधाराओं की उत्पत्ति हो रही है। तो इसमें देखिए आपको देखने को मिलेगा सबसे प्रमुख जो कारक होता है वो आपको तापमान देखने को मिलेगा। हम लोग देखेंगे कि आखिर तापमान के कारण कैसे जलधाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। तो तापमान, अगर आपसे पूछा जाए अगर जलधाराओं की उत्पत्ति में सबसे प्रमुख कारक कौन सा है, तो आंख बंद करके लगा देना है तापमान सबसे प्रमुख है। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे कारक जिनके कारण जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। तो एकमात्र कारण तापमान नहीं है, लेकिन एक प्रमुख कारक तापमान आपको देखने को मिलेगा। तापमान के अलावा आपको देखने को मिलेगा जैसे हिमगलन, ओके। हिमगलन मतलब जब हिम होता है, मतलब जो बर्फ होता है, जो ग्लेशियर होते हैं वो भी जब पिघलते हैं तो जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। तो जल स्तरों में वृद्धि होगी तो इससे जलधाराओं का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगी जल की लवणता, जल की लवणता। अब ये लवणता है ये कैसे जलधाराओं को उत्पन्न कर सकती है, तो देखिए लवणता का संबंध डेंसिटी से देखने को मिलेगा, ओके। और जहां डेंसिटी का अगर हम देखेंगे तो इससे रिलेशन आपको आयतन से देखने को मिलेगा, और आयतन कम ज्यादा होगा यानी कि जल का स्तर कम ज्यादा होगा। जब जल का स्तर कम ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि जलधाराओं की उत्पत्ति होगी, क्योंकि जलधाराएं कैसे चलेंगी, तो जलधाराएं हैं जहां पर जल ज्यादा होगा और जिस तरफ जल कम होगा तो ज्यादा से कम की ओर चलेंगी, ओके। समान परिस्थितियों की अगर हम बात करें, ओके। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जल का जो घनत्व होता है, जल का घनत्व होता है ये भी प्रभावित करता है जलधाराओं की निर्माण के लिए, ओके। तो ये भी काफी प्रमुख कारक आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक आपको देखने को मिलेगा भूमंडलीय पवने, भूमंडलीय पवने। देखिए हमारे पास में इतनी जगह नहीं है इसीलिए हमने छोटा छोटा लिख दिया, लेकिन आप लोग अच्छे से सिनॉप्सिस बनाइएगा। तो देखिए इतने सारे जो कारक हैं ये आपको देखने को मिलेंगे, इनके सम्मिलित प्रभाव से हमारी पृथ्वी पर जो महासागर पाए जाते हैं उनके अंदर ओशनिक सर्कुलेशन होता है, महासागरीय परिसंचरण होता है। और किस तरह से आपको कुछ देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि ये जलधाराएं जाती हैं। लेकिन जलधाराओं की एक चीज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, दिशा क्या देखने को मिलेगी, एक चीज आपको देखने को मिलेगी इनकी दिशा, ओके। तो देखिए दिशा तो समझ में आ गई, लेकिन एक चीज और अध्ययन करना पड़ता है दिशा के अलावा, जिस चीज का हमें अध्ययन करना पड़ता है कि ये गर्म है या ठंडी है, ओके। तो दिशा किधर होगी, तो इसका भी हम आपको बेसिक अप्रोच देंगे, और साथ में एक गर्म जलधारा हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, ठंडी जलधारा हो सकती है, ओके। तो गर्म और ठंडी जलधाराएं आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। तो देखिए जो रेड कलर से आपको देखने को मिल रहा है इस मैप पर, एक गर्म जलधाराएं हैं, और देखिए ऊपर से जो आ रही हैं ब्लू कलर की जो आपको देखने को मिलेंगी इस मैप के ऊपर, वो कैसी हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी ठंडी जलधाराएं हैं, ओके। और जो आपको इसमें ब्लैक कलर से देखने को मिलेंगी ये अत्यधिक ठंडी आपको देखने को मिलेंगी। अत्यधिक ठंडी क्यों है, क्योंकि ये दुर्बीज क्षेत्र की ओर से आ रही है इसीलिए, ओके। तो इसमें तीन कलर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आखिर एक किधर से किधर, तो देखिए समानता आपको एक बेसिक अप्रोच की अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो ए वाला रीजन है इस वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा, इस वाले रीजन में देखने को मिलेगा कि इस रीजन में जो जलधाराएं चलती हैं यहां से चलेंगी जो ध्रुवों की ओर वो कैसी होंगी, अपेक्षाकृत आपको गर्म देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर हम बात करें अगर ध्रुवों की ओर से कोई जलधारा आ रही है वो आपको निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगी कि कैसी होगी, वो
वो ठंडी जलधारा होगी। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे अन्य कारक भी होते हैं जिनके कारण आपको गर्म क्षेत्र में भी ठंडी जलधाराएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे हम आपको एक पढ़ाए थे कि डाउन वेलिंग और अप वेलिंग के बारे में, जिस कारण इस विषुवत रेखीय क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलेगा ठंडी जलधाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगर हम पछुआ भवन की बात करें तो पछुआ भवनों का जहां पर प्रभाव होता है तो वहां पर महासागरों के पूर्वी तट की ओर देखने को मिलेगी, या फिर महाद्वीप के पश्चिमी तट की ओर, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, तो वहां पर ठंडी जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। तो ये सब कुछ हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं, आज आपको दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। तो जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो लोग देखेंगे तो और अच्छे से आप लोग समझेंगे, लेकिन अगर जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो भी एकदम निश्चिंत रहें, आपको हर चीज एक छोटी से छोटी चीज समझ में आएगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। ओके, तो और हम यहाँ पर तीसरी चीज क्या देखेंगे, हम यहाँ पर तीसरी चीज जो देखेंगे वो देखेंगे कि जलधाराओं की दिशा, जलधाराओं की दिशा को निर्धारित करने वाले की दिशाओं को निर्धारित करने वाले कारक, निर्धारित करने वाली तरह। और इसके बाद हम लोग देखेंगे विश्व मानचित्र पर कि किस प्रकार से जलधाराओं का निर्माण होता है। जैसे अभी हम आपको मैप दिखाए हैं, इसी तरह से आपको मैप दिखा करके बहुत अच्छे से समझाएंगे, सभी रटवा देंगे, रटने की आवश्यकता नहीं है। होमवर्क में जाकर क्या करना है, बस मजे करना है, अच्छे से जाकर के डिनर करिएगा और इंजॉय करिएगा, होमवर्क आज आपको नहीं दिया जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर विवेक आ गए हैं, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। एक्चुअली ये बोल रहा है कि हमारा इंटरनेट बहुत स्लो है, बताइए यहाँ पर जो इथरनेट से वो चला रहे हैं फिर भी बोल रहा है बहुत इंटरनेट स्लो, दोबारा से ज्वाइन कर लेता है, एक सेकेंड रुकिएगा, क्लास को फिर से ज्वाइन कर लेते हैं। कौन कौन आ गया है एक बार मैसेज करें, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर बबलू आ गए हैं। ओके, इंटरनेट थोड़ा सा हमारे इधर स्लो था, पता नहीं क्यों हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, यहाँ पर थोड़ा काम चलता रहता है, कंस्ट्रक्शन का थोड़ा काम चलता रहता है। तो अभी पूरा, अभी आप लोग जानते हैं जियो एयरटेल वालों में बहुत ज्यादा पंगा चल रहा है, जहाँ पर एयरटेल पहुंचाते हैं फिर वहां पर जियो ला करके पहुंचा देते हैं। तो पहले फिर एयरटेल वाले थे वो पहले पतली वाली केबल लेकर के आए थे, लेकिन जियो वाले फिर मोटी केबल इधर पहुंचा दिए, तो उन्होंने क्या किया एयरटेल वालों ने, फिर उन्होंने अपनी पतली केबल निकाल के उन्होंने मोटी इधर पहुंचा दिया। तो वो काम चलता रहता है इन लोगों का, थोड़ा सा आप लोग जानते हैं कि इनमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन चलता है, जहां पर एयरटेल पहुंच जाता है वहां जियो पहुंच जाएगा, जहां जियो पहुंच जाएगा वहां पर एयरटेल ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। तो ये चीज हमको देखने को मिलेगी, लेकिन इससे हमें मतलब नहीं है, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और देखने का सब कुछ प्रयास करते हैं। ओके, तो देखिए आखिर हम सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है कि यहाँ पर जलधारा किसे कहेंगे, ड्रिफ्ट किसे कहेंगे, स्ट्रीम किसे कहेंगे, इनको एक बार जान लेते हैं, थोड़ा सा पहचान लेते हैं कि कैसे इनको हम पहचानेंगे। ओके, तो मान लेते हैं ये क्या है, इस तरह से मानते हैं ये सागर है। ओके, और इधर क्या है, स्थलखंड है, और बीच में क्या है, इसमें इस तरह से पानी भरा हुआ है। ओके, तो चलिए पानी भर देते हैं जल्दी से, ये मान लीजिए क्या है, महासागर है। ओके, अब देखिए इस महासागर में जलधारा उत्पन्न होगी, तो देखिए चलिए इसमें एक जलधारा उत्पन्न कर देते हैं। तो देखिए आपको देखने को मिलेगा जो क्षैतिज प्रभाव होता है जल का, ये क्या है, जल का क्षैतिज प्रवाह है, तो इसी को क्या बोल देते हैं, हम जलधारा बोल देते हैं। तो यही क्या है, जलधारा है, ये क्या है, जलधारा है। ओके, तो इसी को जलधारा, और बहुत सारी होंगी तो जलधाराएं बोल देंगे। तो जलधारा किसे बोलेंगे, तो जलधारा हम उसे बोलेंगे जब जल राशि का क्षैतिज प्रभाव होता है, क्षैतिज प्रभाव होता है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको जलधारा बोल देते हैं। जल राशि का मतलब क्या है, यहां पर हम बात कर रहे हैं जल के अमाउंट से बात कर रहे हैं, मतलब जल क्या कर रहा है, स्थानांतरित कर रहा है, लेकिन स्थानांतरित किस दिशा में कर रहा है, वो ट्रांसफर हो रहा है लेकिन किस दिशा में हो रहा है, वो क्षैतिज दिशा में हो रहा है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर भी तो हो सकता है। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जल इधर आया और आने के बाद किधर जाएगा, अब भाई आसमान में तो उड़ के जा नहीं सकता है ना पानी, केवल जब वो जल वाष्प बनेगा तब उड़ के जाएगा, लेकिन इधर क्या होगा, जब इधर से जल इधर आएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जल है वो नीचे जाना प्रारंभ कर सकता है, या फिर साइड में भी जाना प्रारंभ कर सकता है।
हम मानते हैं कि यहाँ से जल है वो नीचे जाना प्रारंभ करता है, ओके। तो यहाँ पर किस प्रकार की प्रणाली हो रही है, किस प्रकार का प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर डाउनवेलिंग का प्रोसेस हो रहा है, ओके। अब जब यहाँ पर जाएगा भाई नीचे, अब क्या हो जाएगा, जल स्तर बढ़ जाएगा यहाँ पर, अब कहीं तो जाएगा यहाँ से। तो देखिए इस तरह से जल जाना मानते हैं प्रारंभ करेगा, ओके। और ए बी प्रभाव क्या है, देखिए नीचे वाला जो आपको देखने को मिलेगा ए बी तो क्षैतिज प्रभाव है, ओके। ए बी क्या है, क्षैतिज प्रभाव है, लेकिन जो क्षैतिज प्रभाव है ये नीतल पर हो रहा है। ये क्या है, सागर का नीतल है, व्हाइट कलर से लिख देते हैं, ये क्या है, सागर का नीतल है, या फिर महासागर जो भी आप बोलना चाहते हैं, सागर का नीतल है। नीतल का मतलब क्या होता है, जो नीचे की सतह होती है, नीचे का जो स्थान होता है, भूमि होती है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए सागर नीतल पर जो क्षैतिज प्रभाव होता है इसी को सर्पण बोलते हैं, और ये जो जलधारा होती है उसके विपरीत दिशा में देखने को मिलेगा। देखिए जलधारा की दिशा कैसी है, जलधारा की दिशा आपको इस तरफ देखने को मिलेगी, लेकिन जो सर्पण होता है वो देखिए जलधारा के विपरीत दिशा में और आपको देखने को मिलेगा, उसके समानांतर होता है, उसके समानांतर है लेकिन उसके विपरीत दिशा में है, और कहां है, सागर नीतल में है, मतलब वो नीचे की परतों में ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो देखिए ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सर्पण, ओके। तो आप लोग समझ गए जलधारा किसे कहते हैं और सर्पण किसे कहते हैं। आप देखिए यहाँ पर जल आ गया भाई, अभी ऊपर भी तो जाएगा, और ये प्रभाव किस तरह का है, ये आपको देखने को मिलेगा ऊर्ध्वाधर है, मतलब ऊपर नीचे जो होता है उसको क्या बोल देते हैं, ऊर्ध्वाधर बोल देते हैं, ओके। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए जलधारा आप लोग समझ गए और आप सर्पण समझ गए, लेकिन जलधाराओं का जब एक समूह हो जाता है तब हम उसे बोल देते हैं स्ट्रीम बोल देते हैं, ओके। तो इसी जलधारा के समूह के, जब यानी कि बहुत सारी जलधाराएं होती हैं, तो उनके समूह को, जलधाराओं के समूह को स्ट्रीम बोलते हैं, ओके। ये चीज आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि ये क्या है, जलधाराएं हैं, ओके। बना रहे हैं, देखिए छोटा सा मैप बना रहे हैं इस तरह से, तो देखिए ये क्या है, जलधाराओं का एक तरह से आपको समूह देखने को मिलेगा। तो देखिए इसको क्या बोलेंगे हम, इस तरह से देखिए ये सब सारी जलधाराएं आ रही थी, आकर के इस तरह से मिली, तो इसको हम क्या बोल देंगे, स्ट्रीम बोल देंगे। तो हम लोगों को कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि जलधारा किसे कहते हैं, स्ट्रीम किसे कहते हैं, ओके। इसके अलावा एक आपको देखने को मिलेगा ड्रिफ्ट, ओके। ड्रिफ्ट क्या होता है, देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, हम नेक्स्ट पेज पे बता देते हैं ड्रिफ्ट क्या है, ड्रिफ्ट क्या है। अब देखिए ड्रिफ्ट क्या है, तो ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये भी आपको एक जलधारा की तरह ही देखने को मिलेगा, लेकिन ड्रिफ्ट की उत्पत्ति होती है वो पवनों के द्वारा होती है, ड्रिफ्ट की उत्पत्ति होती है वो पवनों के द्वारा होती है, यानी कि जब पवने होती है वो समुद्र की सतह को स्पर्श करते हुए चलती हैं, तब वो पानी को भी स्थानांतरित करती हैं अपने साथ में, जिस कारण जलधाराओं की उत्पत्ति होती है, और इसकी गति होती है वो बहुत कम होती है, इसीलिए हमने इसको एक अलग नाम दे दिया, ड्रिफ्ट का नाम दे दिया। तो कई बार आपको देखने को मिलेगा व्यवहार में, कई बुक्स में, कि ड्रिफ्ट की जगह जलधाराओं को उपयोग कर लेते हैं, कई बार आपको जलधाराओं की जगह ड्रिफ्ट का भी उपयोग देखने को मिलेगा, यानी कि दोनों का एक दूसरे का भी उपयोग कर लेते हैं। लेकिन अगर बेसिक डिफरेंस की बात आ जाए, एमसीक्यूज में अगर पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना है ड्रिफ्ट एक अलग चीज होती है, जलधारा अलग होती है, लेकिन इनका पूरक के रूप में उपयोग कर लेते हैं। बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ड्रिफ्ट की उत्पत्ति होती है वो पवनों के कारण होती है, और जलधाराओं की उत्पत्ति होती है वो अन्य कारणों से होती है, जैसे कि तापमान के कारण, घनत्व के कारण, जल स्तर जब बढ़ जाता है उसके कारण। लेकिन अगर हम ड्रिफ्ट को जलधारा भी बोल देंगे तो भी इसमें ज्यादा ऐसा नहीं है कि मतलब कौन सा कर दिया काम तो आपको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनकी उत्पत्ति होती है पवनों के द्वारा, पवनों के द्वारा उत्पत्ति होती है, जिस कारण इनकी गति होती है वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। इनकी गति क्या होती है, गति क्या होती है वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। जैसे चलिए आपको बताते हैं ड्रिफ्ट, ओके। तो देखिए जैसे कि आपको दिखाते हैं, जैसे कि यहां पर देखिए इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, और हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं पवनों के बारे में। तो देखिए ये कौन सा रीजन है आपको देखने को मिलेगा, हमारा
जीरो डिग्री अक्षांशीय रेखा है, जीरो डिग्री अक्षांशीय रेखा है, यहाँ पर लो प्रेशर का निर्माण होता है। ओके, लो प्रेशर का इस तरह से आपको निर्माण देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से ये पवने चलती हैं, ये क्या चलती हैं, इस तरह से पवने चलती हैं। ये जीरो डिग्री की लाइन खींची हुई नहीं, पता नहीं एक्चुअली यहाँ पर ये लाइन नहीं खींच रही है, पता नहीं लंबी लाइन हम अभी खींचे थे, ये नहीं खींच रही है। अब देखिए जैसे ये जल धाराएं चल रही है, तो जल धाराएं जब चलती हैं तो अपने साथ में क्या करेंगी, इसी तरह से ये जल को भी हल्के हल्के स्थानांतरित कर देंगी। तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगी, ड्रिफ्ट उत्पन्न होगी। इसी तरह से इस तरह से पछुआ पवन है, उसका प्रभाव इधर होगा। तो देखिए इस तरह से जो जलधारा उत्पन्न होगी उसको हम क्या बोल देते हैं, ड्रिफ्ट का नाम दे देते हैं। तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें, ग्रीष्म ऋतु की बात करें, तो ग्रीष्म ऋतु में आपको पता है भारत के अंदर क्या आता है, मानसून प्रवेश करता है जून जुलाई में। तो मेडागास्कर ये आपको देखने को मिलेगा, तो इस रीजन में यहाँ पर हाई प्रेशर का निर्माण होता है और यहाँ से पवने चलती हैं, मानसूनी पवने। ये व्यापारिक पवने ही होती है, हम इनको क्या नाम दे देते हैं, मानसूनी पवने नाम दे देते हैं। तो ये इस तरह से जाती है और जाने के बाद भारत की ओर इस तरह से मुड़ जाती है। तो देखिये भारत की ओर जाती है, तो जिस कारण यहाँ पर पवनों के कारण ये जलधारा उत्पन्न होती, तो ये भी क्या है, एक प्रकार की ड्रिफ्ट है, लेकिन इसको जलधारा भी बोल देंगे तो भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहीं जब शीत ऋतु आती है, ओके, तो शीत ऋतु में क्या होता है, मानसून लौटता है। जब मानसून लौटता है तो वो इस तरह से लौटते हुए आता है, तो अपने साथ यहाँ पर इसकी दिशा को भी परिवर्तित कर देता है। यानी कि ग्रीष्म ऋतु के समय मानसून की जो पवने होती हैं उसके कारण जो इनकी दिशा होती है वो दक्षिण से उत्तर की ओर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं जब ये लौट के आता है, यानी कि रिट्रेट मानसून होता है, उसके कारण जलधारा होती है, इसकी दिशा कैसी हो जाती है, उत्तर से दक्षिण की ओर हो जाती है। तो ये क्या है, ये ड्रिफ्ट है, या फिर इनको जलधारा भी बोलेंगे तो भी कोई दो राय नहीं है। ओके, तो ये चीज है जो आप लोगों ने देखा। और देखिए यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया, आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है इन सारी चीजों में। देखिए हर एक छोटी छोटी चीज है वो आपको अच्छे से पढ़ाई जाएगी और फिर बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देखने का प्रयास करते हैं और सारी चीजों के बारे में। तो देखिए ये जल स्तर है, ये जल स्तर किस तरह से बढ़ता है और घटता है, इसमें देखिए घनत्व होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है, तापमान है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है। चलिए देखते हैं, तो आपको देखिए एक आसान भाषा में समझाएंगे लेकिन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग थोड़ी साइंटिफिक बात भी करेंगे, फिर आपको एक एग्जांपल के थ्रू एकदम देसी स्टाइल में समझाया जाएगा। तो देखिए जो घनत्व होता है वो आपको देखने को मिलेगा, जो मास बटे आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा। ओके, ये एक फार्मूला है, साइंस का फार्मूला है, और अगर आप लोगों ने साइंस में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तब भी कोई दबाव लेने वाली बात नहीं है। ओके, जहां डी आपको घनत्व देखने को मिलेगा, एम आपको मास देखने को मिलेगा, और वहीं भी आपको वॉल्यूम यानी कि आयतन देखने को मिलेगा। ओके, तो ये कोई भी रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है। अगर हम माने कि जो मास है वो क्या है, कांस्टेंट है। ओके, मतलब कांस्टेंट का मतलब होता है ये मानते हैं कि ये स्थिर है, मतलब कांस्टेंट इसको मान लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो डेंसिटी होती है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी वॉल्यूम की। यानी कि इसका तात्पर्य क्या हुआ, अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो जो घनत्व होता है, घनत्व होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, आयतन के। ओके, ध्यान से सुनिएगा, अभी आपको सबको समझ में आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आयतन अगर हम घनत्व को अगर हम बढ़ाएंगे तो आयतन क्या होगा, कम होगा। अगर हम आयतन को बढ़ाएंगे तो घनत्व क्या होगा, कम होगा। बस एक छोटा सा लॉजिक है, इसी लॉजिक को आपको समझ के रखना है। अगर देखिए अगर हम घनत्व को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आयतन कम होगा, और अगर आयतन कम होगा, ओके, तो यहाँ पर आपको बताते हैं। देखिए अगर हम घनत्व को अगर हम कम करें, ओके, घनत्व क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, अगर हम घनत्व को कम कर रहे हैं तो यहाँ पर आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उल्टा प्रभाव पड़ेगा भाई। यानी कि आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। आयतन बढ़ने का मतलब क्या है भाई, वो उसका विस्तार हो रहा है, जल का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। अगर जल का विस्तार होगा तो वहां पर जल स्तर में वृद्धि होगी ना, जल स्तर में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर जल स्तर में वृद्धि होगी तो यहाँ पर जहां पर जल ज्यादा हो जाएगा वहां से जल जाना प्रारंभ करेगा जहां पर कम होगा। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए आखिर, चलो इतना तो हमें समझ में आ गया भाई कि आयतन बढ़ेगा तो इसके कारण क्या होगा, जलधारा की उत्पत्ति होगी क्योंकि जल स्तर बढ़ रहा है। लेकिन आखिर ये आयतन कैसे ज्यादा हो रहा है भाई,
चलिए ये भी हम आपको बता देते हैं, ये आयतन क्यों ज्यादा हो सकता है, या फिर हम इसको डायरेक्ट अगर घनत्व के साथ में देख लें तो भी कोई बात नहीं। तो चलिए आपको बताते हैं व्हाइट कलर से, जिससे आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, कि जो आपको देखने को मिलेगा अगर हम किसी चीज का तापमान बढ़ाते हैं, अभी हम किसका बढ़ेंगे भाई, जल का बढ़ेंगे। अगर हम जल का तापमान बढ़ा देते हैं तो जल के तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, आप लोग जानते हैं, जल का तापमान बढ़ाएंगे तो उसका आयतन भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? उसका आयतन बढ़ेगा, उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। अगर उसका आयतन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपको देखने को मिलेगा कि जल स्तर में वृद्धि होगी और इसकी उत्पत्ति हो जाएगी। यानी कि क्या हुआ, अगर हम तापमान को बढ़ाए तो क्या हुआ, आयतन बढ़ा। अगर हम सोचो तापमान को अगर कम कर दें, दूसरी कंडीशन लेते हैं, ये क्या है, फर्स्ट कंडीशन है। अब हम लेते हैं दूसरी कंडीशन, अगर हम तापमान को क्या कर दें, कम कर दें, तो जाहिर सी बात है आयतन भी क्या हो जाएगा, आयतन आपको देखने को मिलेगा एटोमेटिकली कम हो जाएगा। यानी कि तापमान बढ़ाने पर आयतन बढ़ रहा है और तापमान कम करने पर क्या हो रहा है, आयतन कम हो रहा है। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। यानी कि इसका तात्पर्य क्या हुआ, इससे हमें एक निष्कर्ष निकला कि इस अवस्था में, इस कंडीशन में, यहाँ पर जो तापमान है वो क्या है, समानुपाती है किसके, वॉल्यूम के। यानी कि तापमान समानुपाती है वॉल्यूम के, और यहाँ पर हम देखे थे कि जो घनत्व है वो व्युत्क्रमानुपाती है ये वॉल्यूम के। ओके, यानी कि वॉल्यूम और तापमान, अगर हम वॉल्यूम की जगह तापमान कर दें तो कोई भी इसमें दो राय नहीं देखने को मिलेगी। यानी कि इसके अनुसार डेंसिटी के व्युत्क्रमानुपाती होगा तापमान। ओके ओके, क्योंकि क्या है, देखिए सेम है, अगर हम टी की जगह बी का उपयोग कर लें तो कोई भी इसमें दो राय नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहां पर हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू इस तरह से समझा चुके हैं। तो क्योंकि बी बराबर क्या है, टी है, क्योंकि हम जब बी को बढ़ा रहे हैं तो टी बढ़ रहा है, और टी को बढ़ा रहे हैं तो बी बढ़ रहा है। इसी तरह से तापमान को अगर कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी कम हो रहा है। यानी कि अगर हम इस बी की जगह टी लिख दें तो कोई भी आपको समस्या नहीं है। अगर समस्या नहीं है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यानी कि घनत्व क्या है, जो डी है, डी है वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है टी के। ओके, यानी कि घनत्व है वो व्युत्क्रमानुपाती है टेम्परेचर यानी कि तापमान के। यानी कि इसको हम हिंदी में लिखें तो क्या होगा, घनत्व व्युत्क्रमानुपाती है किसके, तापमान के। अब देखिए कुछ लोग होंगे यहाँ पर जो मैथ काफी अच्छे से जानते होंगे, फिजिक्स काफी अच्छे से जानते होंगे, तो वो लोग ऐसा ना सोचे कि एकदम बेसिक से क्यों समझा रहे हैं। देखिए सभी तरह के स्टूडेंट होते हैं, इसमें आर्ट साइड के भी होंगे, तो वो इन चीजों को नहीं जानते होंगे, और आप लोग तो पूरे एल्गोरिथम निकाल करके दे देंगे, लेकिन हमें क्या है, सभी लोगों को एक साथ में लेकर के चलना पड़ता है। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। यानी कि हमें इतना समझ में आ गया कि अगर हम तापमान बढ़ाएंगे, इस अनुसार क्या होगा, अगर हम तापमान बढ़ाएंगे, अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, डेंसिटी पर, डेंसिटी पर उल्टा इंपैक्ट पड़ेगा। आपको देखने को मिलेगा क्या होगा, घनत्व कम होगा, घनत्व एटोमेटिकली कम हो जाएगा। ओके, इसी तरह से अगर हम तापमान को अगर हम कम कर दें तो क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, तो यानी कि तापमान है वो ज्यादा कहां पर होता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो पहले ही हम आपको ये सारी चीजें पढ़ा चुके हैं। तो देखिए इस तरह से अगर हम अपनी पृथ्वी बनाएं, तो ये पृथ्वी ऊपर से थोड़ी सी गड़बड़ होगी, तो देखिए इस तरह से अगर हम पृथ्वी बनाएं, आज तो सर्कल गोल गोल नहीं बनना है, कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपको अक्षांशीय रेखा देखने को मिलेगी 0 डिग्री की, ऊपर आपको हम बताए थे 90 डिग्री है, और नीचे भी आपको देखने को मिलेगा 90 डिग्री देखने को मिलेगा। आपको पता है कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से, जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा तापमान में कमी आती है। क्या आती है, तापमान में कमी आती है। और इसी तरह से इधर भी आप देखेंगे, विषुवत रेखा से इधर भी अगर हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो तापमान में कमी आती है। यानी कि तापमान कहां पर ज्यादा होता है, इस तरफ आपको तापमान ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर तापमान अगर ज्यादा है, यानी कि इस जगह पर, इधर लिख देते हैं उधर जगह नहीं है, अगर यहाँ पर तापमान ज्यादा है तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आयतन भी ज्यादा होगा। ओके, वॉल्यूम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, शॉर्ट में लिख देते हैं और लॉन्ग में भी लिख देते हैं, अगर तापमान इस क्षेत्र का ज्यादा है तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ का आयतन भी क्या होगा,
ज्यादा होगा। ओके, अगर आयतन ज्यादा है तो जाहिर सी बात है इस स्थान का जल स्तर क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां पर क्या होगा, जल स्तर, समुद्र का जल स्तर क्या होगा, बढ़ेगा। अब जल स्तर जैसे जैसे बढ़ेगा तो यहां से पानी है कहां जाएगा, जहां पर जल स्तर कम हो रहा है। जल स्तर कहां पर कम है, तो जहां पर तापमान कम होगा। तो जिधर तापमान कम होगा तो उधर आयतन कम होगा, तो जिधर आयतन कम होगा उधर जल स्तर कम होगा। तो इस कारण आपको देखने को मिलेगा कि जो जल धाराएं हैं वो किधर से किधर की ओर जाएंगी, विषुवत रेखा से जाएंगी ध्रुवों की ओर जाएंगी, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगी, और इसी तरह से इधर भी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगी। ऐसी चलनी थी नीति सीधी सीधी, लेकिन आखिर सीधी सीधी चलती नहीं, ये बड़ी नालायक है। नालायक क्यों है, क्योंकि हम बताए थे हमारी पृथ्वी है वो सीधी साधी नहीं है, वो क्या करती रहती है, हमेशा मटकती रहती है। कहने का मतलब है कि वो घूर्णन करती रहती है, क्या करती है, घूर्णन करती है। और हम आपको बताए थे पृथ्वी में घूर्णन के कारण पवनों को भी विक्षेपित किया जाता है, पहले ही हम पढ़ा चुके हैं कि पवनें चलती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं अपने मार्ग से, थोड़ा सा विक्षेपित हो जाती है, भटक जाती है थोड़ी मार्ग से। ओके, जिस डेस्टिनेशन पे उन्हें पहुंचना चाहिए था उस पर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि घूर्णन गति के कारण एक विक्षेपक बल कार्य करता है, विक्षेपक बल कार्य करता है जो इनकी दिशा में परिवर्तन कर देता है, जो इनकी दिशा में परिवर्तन कर देता है, और इसी को बोलते हैं कोरियालिस फोर्स। शॉर्ट में लिख देते हैं सीएफ, तो मतलब होता है कोरियालिस फोर्स। इसी कोरियालिस फोर्स के कारण जल धाराएं सीधी सीधी नहीं चलती भाई, जल धाराएं क्या है, सीधी सीधी नहीं चलती। ये आपको देखने को मिलेगा, ये अपने यहां पर आपको देखने को मिलेगा अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं उत्तरी गोलार्ध में, और इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा यहां पर अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ओके, बाईं ओर अपने मुड़ जाती हैं। ओके, तो ये चीज वही सेम जो प्रोसेस हम वहां पर बताई थी किस तरह से विक्षेपित होती है, आपको एग्जांपल बताए थे, वीडियो क्लिप भी दिखाई थी, तो आप लोगों को समझ में आया था। ओके, हम जब आपको पढ़ा रहे थे जलवायु विज्ञान, तो वहां पर आप लोगों को एक चीज क्लियर हो गई। तो ये कैसे चलती है भाई, ये थोड़ा सा कर्व होकर के चलती हैं, जैसे इधर जाएंगे तो ऐसे कर्व होकर के जाएंगे, इधर चलेंगे तो कुछ इस तरह से चलेंगे, मतलब थोड़ी सी कर्व होकर के चलती हैं। लेकिन आपको पता है एकमात्र तापमान नहीं है जो जल धाराएं उत्पन्न करता है, तो एकमात्र कारण अगर होता तापमान, अगर तापमान के कारण ही सिर्फ अगर जल धाराओं की उत्पत्ति होती तो पानी किधर से किधर के लिए जाता, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाता। लेकिन हम आपको बताए थे तापमान एक प्रमुख कारक हो सकता है, तापमान एक प्रमुख कारक है जल धाराओं की उत्पत्ति के लिए, लेकिन एकमात्र कारण नहीं है। तो देखिए ध्रुवों पर क्या होता है, ध्रुवों पर तापमान तो सबसे कम होता है भाई। अब जब सबसे कम तापमान होगा तो यहाँ पर डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और डेंसिटी अगर ज्यादा हो जाएगी मतलब घनत्व ज्यादा हो जाएगा, तो वॉल्यूम कम हो जाता है, आयतन कम हो जाता है, आयतन कम होगा तो यहाँ पर जल स्तर में कमी आएगी ना, जल स्तर में कमी आएगी, तो जल स्तर में कमी आएगी, तो यहाँ से जल नहीं जाना चाहिए था लेकिन यहाँ से जल जाता है। तो देखिए ध्रुवीय क्षेत्र से भी जल धाराएं उत्पन्न होती हैं, ध्रुवीय क्षेत्र से जल धाराएं उत्पन्न होने का कारण क्या है, हिमगलन, हिमगलन। अब देखिए जब हिमगलन होता है तो यानी कि हिम है मतलब जो बर्फ है, जो ग्लेशियर है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, जल में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। अब जब भाई नया यहाँ पर स्वच्छ जल है वो आएगा, जब जल यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर जल स्तर में वृद्धि होगी, जल स्तर में क्या होगी, वृद्धि होगी। इस कारण ही आपको देखने को मिलेगा कि ध्रुवीय क्षेत्र से जल धाराएं चलेंगी किधर की ओर, आपको निम्न अक्षांश की ओर आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो देखिए इस तरह से जल धाराओं की उत्पत्ति होती है, लेकिन ये भी क्या है भाई, विक्षेपित होंगी, ये सीधी सीधी नहीं चलेंगी। सीधी सीधी क्यों नहीं चलेंगी, क्योंकि हमारी पृथ्वी है तो क्या कर रही है, डांस कर रही है, मतलब घूर्णन कर रही है। अब घूर्णन करने के कारण यहाँ पर कोरियालिस फोर्स करेगा चलेगा तो इनको सीधा नहीं चलने देगा, थोड़ा सा क्या कर देगा, विक्षेपित कर देगा। और देखिए जब इधर से एक जो आ रही थी, इधर से आपको देखने को मिलेगा ध्रुवीय क्षेत्र से आ रही थी, और सॉरी एक विषुवतीय क्षेत्र से आ रही थी, और एक किधर से जा रही है, ध्रुवीय क्षेत्र से जा रही है। अब विषुवतीय क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्र से जाने के कारण बीच में कहीं पर इनका क्या हो जाता है, अभिसरण हो जाता है। क्या हो जाता है, अभिसरण हो जाता है, मतलब आपस में आकर के मिलती है। तो देखिए एक क्या है, एक आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर गर्म है, तो वहीं दूसरी क्या है आपको देखने को मिलेगी ठंडी है। ओके, क्या है,
ठंडी है। ओके, ये गर्म क्यों है भाई? क्योंकि ये किससे आ रही है? निम्न अक्षांशों की ओर से आ रही है। तो निम्न अक्षांशों यानी कि मध्य अक्षांशों से जो आएगी वो क्या होगी? अपेक्षाकृत गर्म होगी। और ये क्या है? अपेक्षाकृत ठंडी होगी। जिस कारण ये ठंडी और गर्म का मिलन होगा, तो मिलन होगा तो इससे क्या उत्पन्न होता है? एक बहुत ही अच्छा माहौल उत्पन्न होता है, जहां पर आपको कोहरा कोहरा देखने को मिलेगा। ओके, कोहरा कोहरा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ठंडी और जल धाराओं के मिलने से क्या होता है? आपको पानी हल्का हल्का गुनगुना देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मछलियों के लिए बहुत अनुकूल दशाएं उत्पन्न होती हैं। इसी कारण आपको देखिए, आपको दिखाते हैं एक जल धारा, एक जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेब्राडोर। ओके, ये लेब्राडोर है, ये अपेक्षाकृत क्या है? ठंडी जल धारा देखने को मिलेगी। ओके, और इधर से क्या जाती है? एक गल्फ स्ट्रीम जाती है, ये अपेक्षाकृत गर्म होती है। और मिलने के बाद यहाँ पर इस स्थान पर जाकर के ये दोनों जलधाराएं आपस में मिलती हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे माहौल का निर्माण करती हैं, यानी कि अनुकूल स्थितियों को उत्पन्न करती हैं। यहाँ पर देखिए, आपको कोहरा कोहरा मतलब धुआं टाइप का देखने को मिलेगा, जिस कारण धुएं के कारण आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर परिवहन तो बाधित होता है। मतलब जो नौ परिवहन होता है उसमें तो समस्या आती है, क्योंकि विजिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, दृश्यता कम हो जाती है। लेकिन आप देखेंगे वहीं पर यहाँ पर मछलियों के लिए बहुत अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है। जो मछलियां होती हैं उनके लिए बहुत अनुकूल स्थिति देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मछली पालन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उनके लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है। उनके लिए यहाँ पर जो फूड उत्पन्न होता है मछलियों के लिए, तो वहां पर बहुत ही अनुकूल स्थितियां हो जाती हैं, जिस कारण यहाँ पर मछली उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। अब देखिए, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर इस तरह से समझाते हैं। एक क्या था आपका? एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो हम आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट बना दिए थे। अब देखिए, इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम लोग आते हैं और थोड़ा सा अप्लाई करके देख लेते हैं। भाई क्या कर लेते हैं? थोड़ा सा अप्लाई करके देख लेते हैं। तो देखिए, ये क्या आपको देखने को मिलेगी? इस तरह से आपको देखने को मिलेगा 0 डिग्री। ओके, वो तो हम क्या बताए थे? बेसिक अप्रोच बताए थे। अब रियलिटी में क्या चीज है भाई, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से आपको 0 डिग्री देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है? तापमान ज्यादा है, तो यहाँ से जल जाना चाहिए था, किधर की ओर जाना चाहिए था? ये जाना चाहिए था उच्च अक्षांशों की या फिर ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाना चाहिए था। तो देखिए, आपको इस तरह से देखने को मिल रही है कि आराम से यहाँ पर क्या चल रही है? इस तरह से जलधाराएं उत्पन्न हो रही है। ओके, लेकिन जलधाराओं की उत्पत्ति के लिए सिर्फ तापमान प्रभावित नहीं करता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा, जलधाराओं की उत्पत्ति होती है वो छिछले भागों में होती है। कहाँ होती है? देखिए, इस एरिया में जो हम गोल गोल बना रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है? एकदम शांत माहौल होता है, ज्यादा मतलब यहाँ पर हलचलें नहीं देखने को मिलेगी, जलधाराएं यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी। जलधाराओं की उत्पत्ति कहाँ पर होती है? छिछले भागों में होती है। और छिछले भाग कहाँ देखने को मिले? छिछले भागों का क्या मतलब है? जहां पर गहराई कम होती है, तो जहां पर गहराई कम होती है वहां पर ही जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। और छिछले भाग कहाँ देखने को मिलेंगे? जहां पर महाद्वीप पाए जाएंगे। तो देखिए, ये महाद्वीप है, जैसे कि ये क्या है? अमेरिका आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, अमेरिका है तो इसी के सहारे आपको देखने को मिलेगा, इसी के पास में अब जो भूमि होगी वो आपको थोड़ी छिछली देखने को मिलेगी, मतलब समुद्र की गहराई कम देखने को मिलेगी। इस कारण यहाँ पर ही क्या, इसके किनारे किनारे, इसके साइड से, इसके संलग्न भाग में जलधारा की उत्पत्ति होगी। लेकिन जलधारा की उत्पत्ति तो हो गई, अब इसकी जो दिशा है, और दिशा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसमें रोल हो जाता है महाद्वीप, जो महाद्वीप है उसकी स्थलाकृति कैसी है। अब देखिए, यहाँ पर महाद्वीप की जैसी स्थलाकृति है भाई, वैसी ही जलधारा की दिशा भी होगी। देखिए, यहाँ से ये जलधारा आ रही थी, आकर के इस तरह से घूमी, फिर इस तरह से ऊपर चलेगी। क्यों चलेगी भाई? इस तरह से आपको महाद्वीप देखने को मिलेगा। तो महाद्वीप जैसे जैसे घूमा हुआ था, उसी के सहारे एक जलधारा भी चलने लगी। इसी तरह से आप इधर देखिए, ओके, इसी तरह से आप इधर पेरू वाली देख लीजिए। ओके, अभी देखिए, नाम भी सब याद करा देंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना है। यानी कि स्थलखंड किस प्रकार का है, मतलब जो तटीय रेखा है वो किस प्रकार की है, वो भी डिसाइड करती है इनकी दिशा को निर्धारित करती है। कौन? तटीय स्थलाकृति, तटीय स्थलाकृति। ओके, तो चलिए, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, और आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं जिससे आपकी सारी चीजें अच्छे से कवर हो जाए। ओके, अब चलिए हम लोग आते हैं लवणता के ऊपर, थोड़ा सा आपको समझाने के प्रयास करते हैं कि लवणता है वो किस तरह से जलधाराओं की उत्पत्ति करती है। ये थोड़ा सा क्लियर कर दे, वरना आगे फिर लिखने लगेंगे तो इसको बैक नहीं कर पाएंगे। ओके,
क्योंकि अभी हमें इस मैप की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ओके तो चलिए, हम लोगों ने तापमान तो देख लिया। ओके इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा, देखिए जो डेंसिटी है वो लवणता पर भी निर्भर करती है। तो देखिए चलिए हम आपको बताते हैं ये लवणता के कारण सारी चीजें कैसी होती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो लवणता होती है, जो लवणता होती है वो समानुपाती होती है किसके, घनत्व के, घनत्व के। ओके अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, लवणता मतलब सैलिनिटी ऐसे हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं, और डी फॉर डेंसिटी इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ, यानी कि लवणता बढ़ेगी, इसका मतलब क्या हुआ, अगर लवणता बढ़ेगी तो क्या होगा, घनत्व बढ़ेगा, क्या होगा, घनत्व बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पर घनत्व बढ़ने का कारण क्या है, तापमान नहीं है बल्कि क्या है, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर लवणता है। और लवणता को भी कौन प्रभावित करता है सबसे ज्यादा, आपको बताए थे तापमान है वो लवणता के मात्रा को निर्धारित करता है, क्योंकि जहां पर तापमान ज्यादा होता है वहां पर जलों की घुलनशीलता ज्यादा हो जाती है। तो घुलनशीलता ज्यादा होने के कारण आप लोगों को पता है कहीं ना कहीं तापमान का रिलेशन भी आपको लवणता से देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर तापमान है वो अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर हम लवणता की बात कर रहे हैं, ओके सैलिनिटी की बात कर रहे हैं। तो आपको देखने को मिलेगा अगर हम लवणता बढ़ाते हैं तो घनत्व बढ़ता है। ओके क्या बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है। अगर देखिए लवणता बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, घनत्व बढ़ेगा। ओके तो ये चीज आपको इस तरह से देखने को मिलेगी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को ध्यान रखना है। इस कारण क्या होगा, देखिए अगर हम सैलिनिटी एस से हम इंडिकेट कर रहे हैं, देखिए अगर हम सैलिनिटी है अगर हम उसको कम करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रभाव क्या होगा, घनत्व भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सैलिनिटी कम करने पर क्या हो रहा है, घनत्व भी कम हो जाएगा। ओके अगर घनत्व कम होगा तो इससे क्या होगा, जल स्तर में वृद्धि होगी, जल स्तर में क्या होगी, वृद्धि होगी। कोई भी इसमें दो राय नहीं है। ओके अगर जल स्तर में वृद्धि होगी तो किस प्रकार की घटना होगी, तो आपको देखने को मिलेगा, ओके इस प्रकार को आपको देखने को मिलेगा, यहां पर अगर सैलिनिटी है, ओके ये पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन है, अगर देखिए अगर हम सैलिनिटी को बढ़ाएं, ओके सैलिनिटी को बढ़ाएं तो आपको देखने को मिलेगा घनत्व भी बढ़ेगा, कोई दो राय नहीं है इसमें, घनत्व भी बढ़ेगा। अब देखिए घनत्व बढ़ेगा इसका मतलब है जल स्तर में कमी आएगी, जल स्तर में कमी आएगी। ओके तो देखिए यहां पर इस तरह से जल धारा की उत्पत्ति हुई, क्योंकि एक जगह क्या हो गया, जल स्तर बढ़ गया, और एक जगह क्या हो गया, जल स्तर कम हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा, जल धारा उत्पन्न होगी, ओके कहां से, अधिक से कम की ओर होगी, यानी कि जिस चीज की सैलिनिटी है वो कम होगी तो वहां से क्या होगा, जहां पर सैलिनिटी कम होगी तो वहां से क्या होगा, इस तरह से जो जल है वो आएगा उस स्थान से, किस स्थान पर आएगा, जहां पर आपको सैलिनिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। ओके अब आप लोगों के लिए एक बार देखना है कि किस किस स्थान पर इस प्रकार की प्रक्रिया देखने को मिलेगी, जिस कारण ये सारी चीजें होती हैं। ओके चलिए हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं हिमगलन। ओके हिमगलन के कारण किस प्रकार से सारी चीजें होती हैं, तो देखिए जिन स्थानों पर तापमान ज्यादा होता है, क्या होता है, जिन स्थानों पर तापमान ज्यादा होता है, तो देखिए तापमान है वो बढ़ेगा, मतलब अगर हम ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर थोड़ा सा तापमान बढ़ाते हैं तो तापमान के बढ़ने से आप लोग जानते हैं, ओके हिम गलन होगा, क्या होगा, हिम गलन होगा, मतलब हिम है वो कन्वर्ट होगा जल के अंदर। ओके हिम हिम किस में कन्वर्ट होगा, जल में परिवर्तित होगा, जल में परिवर्तित होगा। ओके अगर ये जल में परिवर्तित होगा तो यहां पर स्वच्छ जल की प्राप्ति होगी, स्वच्छ जल की आपूर्ति होगी। ओके अब देखिए जब स्वच्छ जल की आपूर्ति होगी तो आपको देखने को मिलेगा नंबर एक यहाँ पर जल स्तर में वृद्धि होगी और साथ में स्वच्छ जल यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। स्वच्छ जल प्राप्त होने के कारण आपको देखने को मिलेगा इस स्थान की जो सैलिनिटी है वो क्या होगी, कम होगी, मतलब लवणता में कमी आएगी। ओके अब देखिए अगर लवणता में कमी आएगी तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, घनत्व में भी कमी आएगी। ओके लवणता कम होने का मतलब क्या है, घनत्व में भी कमी आएगी। अगर घनत्व में कमी आएगी तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम है मतलब आयतन है उसमें वृद्धि होगी। घनत्व में कमी आने के कारण देखिए यहाँ पर जगह नहीं है इधर लिख देते हैं। ओके तो देखिए घनत्व में अगर कमी आएगी तो आपको देखने को मिलेगा आयतन है वो बढ़ेगा,
आयतन है वो क्या होगा, बढ़ेगा। आयतन बढ़ने का क्या मतलब है, जल स्तर में वृद्धि होगी, जल स्तर में क्या होगी, वृद्धि होगी। और जल स्तर में अगर वृद्धि होगी तो आप लोग जानते हैं कि जलधारा की उत्पत्ति होगी, जलधारा की उत्पत्ति होगी। ओके, क्या होगी, जलधारा की उत्पत्ति होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से जलधाराओं की उत्पत्ति कहां पर होती है, तो आपको देखने को मिलेगा ध्रुवीय क्षेत्र से, जैसे ये लिब्राडोर जो आपको देखने को मिलेगी। ओके, ये क्या है, ठंडी जलधारा है। इसकी उत्पत्ति किस कारण हो रही है, हीम के कारण हो रही है। इसकी लवणता भी आपको कम देखने को मिलेगी। अब आपसे देखिए ऑप्शन में पूछ लिया, जैसे कि ये हडसन की खाड़ी है, या फिर यहाँ पर और कोई एग्जांपल दे दिया, ओके, क्वीन आइलैंड दे दिया, यहाँ पर आपको क्वीन आइलैंड देखने को मिलेगा। ओके, तो इस क्षेत्र में अगर पूछ लिया कि सैलिनिटी कहाँ की ज्यादा होगी, अब सैलिनिटी कहाँ की ज्यादा होगी, तो आप लोग बता सकते हैं ना, यहाँ की तो कमी होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि यहाँ पर बर्फ पिघल रहा है, और बर्फ पिघल रहा है यानी कि यहाँ पर ठंडी जलधारा उत्पन्न होगी। तो अगर आपसे दो पूछा जाए, जैसे नॉर्वे जलधारा के बारे में पूछ लिया जाए कि नॉर्वे की जलधारा, और दूसरी दे दी जाए लैब्राडोर की, दोनों क्या है, समान अक्षांश में है, दोनों क्या है, समान अक्षांश में है, लेकिन आपको देखने को मिलेगी एक ठंडी है, दूसरी आपको देखने को मिलेगी अपेक्षाकृत गर्म है। देखिए ये ठंडी क्यों है, क्योंकि इसका निर्माण हो रहा है हीम के कारण, इसका निर्माण हो रहा है हीम के कारण, मतलब जो हीम पिघल रहा है उसके कारण हो रहा है। लेकिन नॉर्वे वाली जो आपको देखने को मिलेगी इसी क्षेत्र में है, मतलब इसी अक्षांश रेखा के समानांतर लगभग में देखने को मिलेगी, लेकिन ये क्या है, आपको बार्म देखने को मिलेगी, मतलब गर्म देखने को मिलेगी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर रखती है। देखिए इनका आर्थिक महत्व भी बहुत होता है, आर्थिक महत्व क्या से बहुत होता है वो भी आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो गल्फ स्ट्रीम है, ओके, ये वाला जो रीजन है, गल्फ स्ट्रीम वाला जो रीजन है, इससे थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, इस क्षेत्र में ये आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मछली पालन बहुत ज्यादा होता है, और फिशरी इंडस्ट्री आपको बहुत बड़ी इंडस्ट्री देखने को मिलेगी, और फूड सिक्योरिटी की इंडस्ट्री से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें कि अगर हमें अपने देश में, अगर जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कुपोषण से लड़ना है, तो हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। ओके, अब जो मेन सोर्स होता है अगर खाने का बात करें, तो इसमें मछली एक बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स माना जाता है, जो हेल्थ के लिए काफी अच्छा माना जाता है। अगर जो अन्य चीजें होती हैं, जो जैसे कि नॉन वेजिटेरियन में आती हैं, तो वो ज्यादा हानिकारक होती हैं, मतलब हानिकारक नहीं होती हैं, मतलब कहने का मतलब है कि उन्हें पाचन करने में बहुत समस्या आती है और बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मछली के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। मछली होता है वो बहुत ही इजिली आपसे पच जाएगा, और बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट में आपको प्रोटीन देता है, और उसमें लेस देन अमाउंट में आपको ऑयल देखने को मिलेगा। ओके, तो ये काफी चीजें होती है। और वहीं आपको देखने को मिलेगा कि जो जो नॉर्वे की जो जलधारा जा रही है यहाँ पर, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आर्थिक रूप से। क्यों, चलिए आपको बताते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर देखिए ये जो नॉर्वे की जलधारा जा रही है, ये क्या है, गर्म है। ओके, और ये गर्म होने के कारण ही आपको देखने को मिलेगा कि किस क्षेत्र में ये पड़ता है। देखिए किस क्षेत्र में ये पड़ता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि ये उच्च अक्षांश की ओर पड़ता है। कहां पड़ता है, उच्च अक्षांश की ओर। ओके, अब देखिए ये उच्च अक्षांश की ओर पड़ता है, तो यहां पर ठंडी के मौसम में आपको देखने को मिलेगा कि इस स्थान पर बर्फ जम जाता है। ये पूरा स्थान क्या हो जाता है, बर्फ बर्फ से जम जाता है। तो देखिए अभी हम इस तरह से खींचते हैं लाइन, और जो आपको देखने को मिलेगा ये पूरा क्षेत्र क्या हो जाता है, बर्फ से ढक जाता है। और यहाँ पर आप जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार होता है वो किससे होता है, शिपों से होता है। मतलब आपको देखने को मिलेगा जहाज होते हैं इस तरह से, अब नौका हमें बनानी नहीं आ रही, कुछ इस तरह से जहाज होते हैं। अब देखिए अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना है, तो व्यापार के लिए हमें क्या चाहिए, मार्ग चाहिए। क्या चाहिए हमें, मार्ग चाहिए। और ये मार्ग होता है ये ठंड के मौसम में, लगभग में साल के जो 12 महीने होते हैं उनमें से 12 महीने में से 6 महीने क्या होगा, ये पूरा बंद हो जाता है, क्योंकि 6 महीने यहाँ पर आपको बर्फ बर्फ देखने को मिलेगी। इस कारण ही जो रसिया वाला ये क्षेत्र है ना, ये सब बंद हो जाता है, इसके बंदरगाहें सब बंद हो जाते हैं, सिप जहाँ के जहाँ होते हैं वहां स्टक हो जाते हैं, उनको चलाने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है, क्योंकि बर्फ को काटना पड़ता है और बर्फ की कटिंग में बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है। और ऊपर वाला क्षेत्र होता है ये पूरा ब्लॉक हो जाता है, यहाँ पर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिस कारण रसिया वाला क्षेत्र इसको बहुत ज्यादा हानि होती है। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा कि इधर
जो अमेरिका वाला जो पार्ट होता है इसको भी बड़ी हानि होती है। ओके, और इधर आपको देखने को मिलेगा जो इधर वाला जो पार्ट है, ओके, ग्रीनलैंड वाला पार्ट है, इसको भी बहुत हानि होती है। लेकिन वहीं आपको देखने को मिलेगा जो जो ये नॉर्वे वाला क्षेत्र हो गया, इसके अलावा जो इंग्लिश लोग होते हैं, मतलब जो इंग्लैंड है, उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। इस क्षेत्र में ठंड के मौसम में भी परिवहन जो सुविधाएं होती हैं वो चलती रहती हैं। क्यों? इसी नॉर्वे जलधारा के कारण ही, क्योंकि ये कहाँ से आ रही है, ये आ रही है मध्य अक्षांश की ओर से आ रही है, मतलब निम्न अक्षांश से होते हुए मध्य अक्षांश से होते हुए कहाँ जा रही है, उच्च अक्षांश की ओर जा रही है। तो मध्य अक्षांश की ओर से आने के कारण ये क्या होती है, अपेक्षाकृत गर्म होती है, और गर्म होने के कारण ये अपने मार्ग में हिम को नहीं जमने देती है, हिम नहीं बनने देती है, जिस कारण यहाँ पर वर्ष भर ठंडी के मौसम में भी परिवहन होता है वो चलता रहता है, मतलब परिवहन की सुविधाएं होती रहती हैं। तो यहाँ पर कार्गो शिप है वो जाते रहते हैं, इसके अलावा अगर सैन्य दृष्टि से कुछ भी चीज ले जाना है तो वो आराम से जाता रहता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसी कारण वर्ष भर आर्थिक क्रियाएं व्यापार से संबंधित होती रहती हैं। लेकिन इन क्षेत्रों का, यहाँ पर चीन भी आपको देखने को मिलेगा, इसको भी बहुत बड़ा लॉस देखने को मिलेगा। ओके, तो इनका जो उत्तर वाला पार्ट होता है इन लोगों का तो बंद हो जाता है, लेकिन हम लोगों के साथ में शुक्र है कि ये सारी समस्याएं नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग भाई, आपको देखने को मिलेगा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उस तरह से जिस तरह से हमको आगे बढ़ना चाहिए था, अभी हमारे पास में उतने संसाधन नहीं है, हमें इसमें बहुत तीव्र गति से विकास करना पड़ेगा, अपनी जो संभावनाएं हैं उनका दोहन भी करना पड़ेगा, इस चीज आपको देखने को मिलेगी। तो समझे किस तरह से ये सारी चीजें हैं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। ओके, तो इसको क्लियर कर देते हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा कि जलधाराएं हैं, इनका ना केवल पर्यावरणीय महत्व होता है बल्कि आपको देखने को मिलेगा इनका आर्थिक महत्व भी बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और इन्हीं जलधाराओं के कारण आपको देखने को मिलेगा लवणता और साथ में तापमान है इसकी जो भिन्नता होती है उसमें कमी आती है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, तापमान का वितरण हो रहा है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, तापमान का स्थानांतरण होता है, क्योंकि ये गर्म गर्म जल धारा है तो ये अपने साथ में तापमान ले जाती है और उच्च अक्षांशों की ओर भी तापमान को क्या कर देती है, थोड़ा सा बढ़ा देती है। ओके, तो तापमान जो विषमता पाई जाती है पृथ्वी पर उसको भी कम करने का प्रयास करती है। इसके अलावा लवणता होती है वो भी कहीं ना कहीं कम ज्यादा होती है। कैसे, देखिए इस क्षेत्र में अगर हिम है वो हिम पिघलता है तो यहाँ की डेंसिटी कम होती है और यही जलधारा आगे बढ़ती है और मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में आती है तो इस क्षेत्र की भी सैलिनिटी है वो थोड़ी सी कम कर देती है। क्या कर देती है, सैलिनिटी है। ओके, सैलिनिटी है वो क्या कर देती है, थोड़ी सी कम कर देती है, लवणता कम कर देती है। तो लवणता और तापमान का वितरण जलधाराओं के कारण होता है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से आपको बताते हैं। अब देखिए आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ से जो जलधारा है वो किधर से किधर की ओर चलेगी। जैसे अगर हम बोलें तो आपको पता है इस क्षेत्र में हम बताए थे कि सैलिनिटी ज्यादा होगी, अगर सैलिनिटी ज्यादा है तो आपको जाहिर सी बात है, अभी हम बताए थे इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है घनत्व से, यानी कि यहाँ पर घनत्व ज्यादा होगा, अगर घनत्व यहाँ का ज्यादा होगा तो जल स्तर में कमी आएगी, और जल स्तर में कमी आएगी, और आपने नहीं पढ़ा, बुक में कभी पढ़ा ही नहीं कि जलधारा किधर से किधर की ओर जाएगी, समझिए लाल सागर में, हिंद महासागर से लाल सागर में इस तरह से जलधारा की उत्पत्ति होगी। क्यों उत्पत्ति हो रही है, आपको देखने को मिलेगा लाल सागर में घनत्व सॉरी लवणता ज्यादा पाई जाती है, और लवणता ज्यादा पाए जाने के कारण ही आप देखेंगे घनत्व ज्यादा होगा, घनत्व ज्यादा होगा तो जल स्तर में कमी आएगी, और जल स्तर में अगर कमी आएगी तो यहाँ पर जलधारा की उत्पत्ति होगी। इसी कारण आपको देखने को मिलेगा लाल सागर में इस तरह से जलधारा की उत्पत्ति होती है। ये चीज यहाँ पर भी नहीं नोट है, मैप पर भी आप देखेंगे तो आपको नहीं देखने को मिलेगा, बुक में भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बन गया तो देखिए आप लोग सब कुछ कर लेंगे, कॉन्सेप्ट बन गया तो आप कॉन्सेप्ट लगाइएगा, आंसर आप लोगों का निकल आएगा। ओके, कॉन्सेप्ट लगाइएगा आपका आंसर निकल आएगा। ओके, तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, और आपको पता है लाल सागर में यहाँ पर ज्यादा नदियां वदियां भी नहीं मिलती हैं अगर के, तो आप लोग इस तरह से आराम से बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर नदियों की संख्या ज्यादा होती तो नदियों के कारण जल आपूर्ति बढ़ जाती है, जल स्तर बढ़ जाता तो क्या हो जाता, उल्टा सिस्टम हो जाता, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग आते हैं अपने और आगे कॉन्सेप्ट के ऊपर। ओके, तो चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं पवनों के द्वारा किस तरह से जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। तो देखिए
हम आपको पहले ही कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं, अब हम उसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से मानते हैं ये क्या है, स्थल खंड है, ओके। और इसी तरह से मान लेते हैं ये क्या है, दूसरा स्थल खंड है। अब देखिए इसको अगर आप लोग अच्छे से समझ गए तो समझिए अब जल धाराएं हैं वो आपका 80% कवर हो गया, 20% सिर्फ क्या है नाम ध्यान रखना है, 80% यहां से ही कवर हो जाएगा। तो ध्यान पूर्वक आप समझिएगा, ओके सर। यह चैप्टर 11th या 12th के ज्योग्राफी में है क्या? हाँ ये आपको देखने को मिलेगा, ये 11th क्लास की जो एनसीईआरटी आपको देखने को मिलेगी भौतिक भूगोल के नाम से, उसमें आप देखेंगे तो वहां पर ये जल धाराओं वाला टॉपिक दिया रखा है, ओके। एक्चुअली आपके हम यहाँ पर मैसेज नहीं देख पाए तो परेशान नहीं होना है आपको, ओके कोई बात नहीं, हम मैसेज देख लेते हैं, समझाते हैं तो उस वक्त इतना ध्यान नहीं जाता है मोबाइल के अंदर। तो देखिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें समझने का प्रयास करते हैं, ओके। तो देखिए ये क्या है, स्थलखंड मानते हैं ये क्या है, 0 डिग्री है, मतलब विषुवत रेखा आपको देखने को मिलेगी, ओके। और विषुवत रेखा से ऊपर एक 30 डिग्री की रेखा ले लेते हैं क्योंकि इसकी हमको जरूरत पड़ने वाली है, ओके। नीचे भी क्या ले लेते हैं, इसी तरह से एक 30 डिग्री की रेखा ले लेते हैं क्योंकि इसकी अभी हमें जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जब हम आपको पढ़ाए थे ताप पेटियों के साथ में ही पढ़ाए थे आपको दाब पेटियां, तो आपको पता है कि यहाँ पर उच्च वायु दाब का निर्माण होता है 30 डिग्री के समीप, ओके। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आपको हाई प्रेशर देखने को मिलेगा, क्या बनता है, यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है, यहाँ पर भी हाई प्रेशर बनता है, और यहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण लो प्रेशर का निर्माण होता है। तो ये पहले ही पढ़ा चुके हैं और आपको पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवने चलती हैं, ओके। इसी तरह से एक और ले लेते हैं यहाँ पर क्या, इस तरह से 60 डिग्री ले लेते हैं क्योंकि अभी हमें 60 डिग्री की भी जरूरत पड़ेगी। तो 60 डिग्री पे आपको पता है अभिसरण होता है, अभिसरण के कारण ही आपको देखने को मिलेगा, अभिसरण के कारण ही आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर लो प्रेशर का निर्माण होता है, क्योंकि वाताग्रों का निर्माण होता है जिससे जो गर्म वायु होती है जो हल्की होती है वो ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठ जाने के कारण लो प्रेशर का निर्माण हो जाता है। और एक नीचे भी हम 60 डिग्री ले लेते हैं, एक यहाँ अक्षांतीय रेखाएं हैं, यहाँ पर भी वाताग्रों का निर्माण होता है, यानी कि पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने आपस में आकर के अभिसरण करती हैं, तो वहां पर वाताग्रों का निर्माण होता है और निम्न वायु दाब का निर्माण आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए चलिए हम यहाँ पर एक बार पवने चलाते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम पवने चलाते हैं, तो पहले हम लोग व्यापारी पवने चलाते हैं, तो आप लोगों को पता है कि 30 डिग्री से जो उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी है यहाँ से विषुवत रेखा की ओर जो पवने चलती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, व्यापारी पवने। तो देखिए इस तरह से व्यापारिक पवने चल रही होंगी, क्या चल रही होंगी, इस तरह से व्यापारिक पवने चल रही होंगी। तो देखिए जब व्यापारिक पवने इस तरह से चल रही होंगी, तो देखिए पहले चला देते हैं इनके लिए फिर हम आगे समझाते हैं आपके लिए। देखिए इस तरह से क्या होंगी, ये क्या है व्यापारिक पवनों का प्रभाव है, व्यापारिक पवने हैं, ओके। ये भी क्या देखने को मिलेगा, ये भी क्या है व्यापारिक पवने हैं, ओके। तो देखिए व्यापारिक पवने जब आती हैं, अब क्या कर रही हैं, ये जागने के बाद ऐसे अभिसरण भी तो करेंगी, तो ये महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर, ये कौन सा भाग है देखिए, ये जो हम यहाँ पर एरो करके लिखे हैं, तो ये क्या है महाद्वीपों का पूर्वी भाग है, सॉरी महासागरों का पूर्वी भाग है, ओके। या फिर इसे आप लोग महाद्वीपों का पश्चिमी भाग भी बोल सकते हैं, क्योंकि महाद्वीप का क्या है ये पश्चिमी भाग है, लेकिन अगर हम महासागर की बात करें तो उसका ये पूर्वी भाग देखने को मिलेगा, ओके। इसी तरह से ये महासागरों का क्या है, महासागरों का क्या है आपको पश्चिमी भाग देखने को मिलेगा, ओके। तो देखिए महासागरों के पूर्वी भाग पर क्या हो रहा है, यहाँ पर व्यापारिक पवने आकर के अभिसरण कर रही है, ओके। क्या कर रही है, अभिसरण कर रही है, तो अभिसरण करने के कारण यहाँ पर ये जल स्तर को, मतलब अभिसरण करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जल स्तर भी तो आकर के यहाँ पर, जैसे ये देखिए इस तरह से आएगी, ध्यान से देखिएगा तभी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए ये इस तरह से पवने जा रही हैं और ये भी क्या आ रही है, इस तरह से पवन आ रही है, तो अपने साथ में जल भी तो लेके आएंगे, तो जल दिखाने के लिए हम दूसरे कलर का उपयोग कर लेते हैं, यहाँ पर पिंक कलर का उपयोग करते हैं, तो ये अपने साथ में इस तरह से जल भी तो लेके आएंगी, क्या करेंगी इस तरह से जल भी तो लेके आएंगी। जब ये जल लेके आएंगी और यहाँ पर मानते हैं इनका अभिसरण हो रहा है, तो इस क्षेत्र में क्या होगा, जल स्तर में वृद्धि होगी, नहीं होगी, जल स्तर में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो देखिए इसको हम हटा देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे जल स्तर में कैसे वृद्धि हो रही, क्योंकि जब ये चलेंगी तो अपने साथ में जल के को भी स्थानांतरित करेंगी, जल को भी खिसकाते हुए ले जाएंगी। अब देखिए जल को जैसे हल्के हल्के खिसकाते हुए ले जाएंगी, तो आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह से
देखिए जो हम पिंक कलर से बना रहे हैं ये क्या है, जल धारा है। ओके, तो इस तरह से जल है वो किधर की ओर जाएगा, पूरब से पश्चिम की ओर जाना प्रारंभ करेगा, क्योंकि व्यापारिक पवनों के अभिसरण के कारण जल स्तर में वृद्धि होती है। किस तरफ वृद्धि होती है, महासागरों के पूर्वी भाग में जल स्तर में वृद्धि होने के कारण यहाँ पर जलधाराओं की उत्पत्ति होती है, और जलधारा है इसकी दिशा क्या होती है, पूरब से पश्चिम की ओर होती है। क्या होती है, पूरब से पश्चिम की ओर होती है, और ये किस स्थान पर है, ये विषुवत रेखीय क्षेत्र में है, इसीलिए इसको कौन सा नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं विषुवत रेखीय जलधारा। ओके, इक्वेटोरियल कैनाल के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए आपको दिखा देते हैं, तो देखिए ये क्या है, ये आपको देखने को मिलेगा विषुवत रेखीय जलधारा। ओके, देखिए यहां पर इसको कॉपी कर लेते हैं, सेकंड आपको वैसे दिख तो रहा होगा। तो देखिए ये वाली जो इस तरह से जा रही है ना, पिंक कलर से हम बना रहे हैं, तो ये कौन सी है, ये विषुवत रेखीय है, विषुवत रेखीय देखिए जलधारा, जल धारा है। ओके, और इसकी विषुवत रेखीय जलधारा है, इसकी दिशा किधर से किधर को आपको देखने को मिलेगी, पूरब से पश्चिम की ओर देखने को मिलेगी। अब देखिए यहां पर दो तरफ हैं, क्योंकि बीच में क्या है, जीरो डिग्री है, तो देखिए ये उत्तर में है, तो इसीलिए इसको बोल देते हैं उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा बोल देते हैं, और ये दक्षिण में है इसीलिए इसको बोल देते हैं दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा बोल देते हैं। तो हम क्षेत्र का नाम ले लेते हैं जिस क्षेत्र में ये चल रही है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। ओके, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए। ओके, तो आपको एक देखने को मिलेगी यहां पर विषुवत रेखीय जलधारा। ओके, तो देखिए ये दोनों गोलार्धों में उत्पन्न होती है, जिस कारण इसको दो भाग में हम डिवाइड कर देते हैं, मतलब उत्तरी है तो हम उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा बोल देंगे, दक्षिणी है तो हम बोल देंगे दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा बोल देंगे। ओके, तो देखिए अगर हम बात करें इसकी उत्पत्ति की, ओके अगर हम बात करें इसकी उत्पत्ति की, उत्पत्ति की बात करें, तो इसकी उत्पत्ति किस कारण हो रही है, व्यापारिक पवनों के अभिसरण के कारण, व्यापारी पवनों के अभिसरण के कारण, अभिसरण के कारण आपको देखने को मिलेगा महासागरों के पूर्व भाग में जल स्तर में वृद्धि हो रही थी, व्यापारिक पवनों के अभिसरण के कारण आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर महासागरों के, महासागरों के पूर्वी भाग में, किस भाग में, पूर्वी भाग में आपको देखने को मिलेगा जल स्तर में वृद्धि हो रही थी, जल स्तर में वृद्धि हो रही थी। ओके, अब जल स्तर में वृद्धि हो रही थी तो आपको देखने को मिलेगा जो महासागर है उनके पूर्वी भाग में जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। अब इनकी जो दिशा आपको देखने को मिलेगी वो किधर से किधर को देखने को मिलेगी, उत्पत्ति तो ये हो गई, अब हम लोग बात कर लेते हैं दिशा की, बात कर लेते हैं भाई। तो देखिए इनकी जो दिशा आपको देखने को मिलेगी, तो जहां जहां पर अभिसरण होगा वहां वहां पर जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी, किस कारण हो रही वो भी आप लोग समझ गए। और दूसरा हम लोग देखते हैं इनकी दिशा, तो देखिए दिशा है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है, तो पृथ्वी का घूर्णन है वो आपको देखने को मिलेगा, इनकी जो दिशा है, ओके दिशा है वो आपको देखने को मिलेगा पूरब से, पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर। आखिर अगर आपसे पूछा जाए ये पूरब से पश्चिम की ओर क्यों है, क्योंकि हमारी पृथ्वी घूर्णन कर रही है, हमारी पृथ्वी घूर्णन कर रही है, और घूर्णन किस दिशा में कर रही है, तो घूर्णन हमारी पृथ्वी है वो आपको देखने को मिलेगा पश्चिम से पूरब दिशा में कर रही है। तो किस दिशा में कर रही है आप लोग जानते हैं, वेस्ट टू ईस्ट दिशा में हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, तो घूर्णन कर रही है वो ऐसे ऐसे, और जलधारा किस तरह से इस कारण ही उत्पन्न होती है ऐसे ऐसे। तो पूरब से पश्चिम की ओर जो जलधारा की दिशा है वो क्यों है, क्योंकि हमारी पृथ्वी घूर्णन कर रही है वो पश्चिम से, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर कर रही है, जिस कारण जो हमारी
जो विषुवत रेखीय जल धारा है इसकी दिशा किधर से किधर के लिए होती है, पूरब से पश्चिम की ओर होती है। अब अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, एक एक बड़ा सा लट्टू लीजिए और उस पर कोई चीज बूंद बूंद रख दीजिए और उसको तेजी से घुमाइए, तो देखिएगा वो बूंद किधर के लिए आएगी, पीछे के लिए आएगी। ओके समझ गए। या फिर अगर तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बता देते हैं, देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट बता देते हैं। आप क्या करिए, इस तरह से एक फट्टा रखिएगा, क्या रखिएगा, फट्टा रखिएगा। अब आप क्या करिए, यहाँ पर थोड़ा सा पानी का बूंद रख दीजिए या फिर थोड़ा सा पानी रख दीजिए। अब आप क्या करिए, इस फट्टे को आगे से तेजी से आप इसको गति दीजिए, ओके इस दिशा में दीजिए, ओके इस दिशा में आप इस तरह से गति देंगे आप, तो आपको देखने को मिलेगा ये हल्के हल्के इस स्थान से थोड़ा सा पीछे आ जाएगा। क्या होगा, थोड़ा सा पीछे आ जाएगा, ये चीज आपको देखने को मिलती। तो हमारी पृथ्वी क्या है, इस दिशा में इस तरह से घूर्णन कर रही है और इस पर जो चीज रखी होती है वो इस तरफ जाने का प्रयास करती है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई, ओके तो दिशा समझ में आ गई और ये चीज आपको समझ में आ गई, ओके। और इस कारण ही विषुवत रेखीय जलधारा है, इसके कारण ही आप देखेंगे महासागरों के इसका जो प्रभाव है वो क्या पड़ता है, जो प्रभाव है वो क्या पड़ता है, वो आपको देखने को मिलेगा महासागरों के पश्चिमी भाग में जल स्तर में वृद्धि होती है, जल स्तर में वृद्धि होती है, ओके क्या होती है, वृद्धि होती है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और इस कारण ही आपको देखने को मिलेगा विषुवत रेखीय जलधारा के कारण ही आपको देखने को मिलेगा कि जो महाद्वीपों का जो पूर्वी भाग होता है इसका तापमान कम देखने को मिलेगा, इसका तापमान कम देखने को मिलेगा। अब देखिए इसका तापमान कम क्यों है, दूसरे कलर से लिखते हैं, वरना आप लोग जब ये पीडीएफ आपको सेंड करेंगे तो आप लोग सोचेंगे कि ये क्या इसमें मिक्स हो गया, तो देखिए मिक्स बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको अच्छे समझाएंगे। तो देखिए महासागरों के पूर्वी भाग में क्या होगा, तापमान अपेक्षाकृत आपको कम देखने को मिलेगा, अपेक्षाकृत आपको कम देखने को मिलेगा। कम क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह से यहाँ पर जो इस स्थान पर क्या होगा, डाउनवर्ड क्या होगा, पानी नीचे जाएगा, ओके पानी क्या होगा नीचे की ओर जाना प्रारंभ करेगा, सॉरी नीचे नहीं जाएगा ऊपर की ओर आना प्रारंभ करेगा, यहाँ पर हम गलत बोल देते कोई बात नहीं, ओके यहाँ पर क्या होगा अपवेलिंग का प्रोसेस होगा, ओके अपवेलिंग का प्रोसेस होगा। अपवेलिंग का प्रोसेस क्यों होगा, चलिए आपको बता देते हैं। देखिए इस तरह से जब पानी है वो खिसकते हुए आगे जाएगा तो इस स्थान पर क्या करेगा, जल की कमी हो जाएगी। देखिए अब पानी क्या है, वो पूर्वी भाग से किधर जा रहा है, पश्चिमी भाग की ओर जा रहा है, तो जब पानी जब आगे चला जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ब्लैंक स्पेस उत्पन्न हो जाएगा, खाली जगह हो जाएगी, यानी कि जल स्तर कम हो जाएगा भाई वहां पर, इसी जो जल स्तर की क्षतिपूर्ति के लिए नीचे से पानी आना प्रारंभ करता है। ये हम आपको पहले भी कल या परसों वाले लेक्चर में आपको पढ़ाए थे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसकी क्षतिपूर्ति के लिए यहाँ पर जल है ये आगे चला जाएगा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसकी क्षतिपूर्ति के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए नीचे से जल आना प्रारंभ करेगा, क्या करेगा, नीचे से जल आना प्रारंभ करेगा। तो यहाँ पर किस प्रकार का प्रोसेस होगा, अपवेलिंग का प्रोसेस होगा, और नीचे से पानी आने के कारण ही नीचे का तापमान होता है वो कम होता है, जिस कारण यहाँ पर जो रेड कलर से हम बनाएंगे यहाँ पर ठंडी जलधारा उत्पन्न होती है, ओके। तो ये कौन सा रीजन है, ये आपको उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, तो इस रीजन में आपको जो ठंडी जलधारा उत्पन्न देखने को मिलेगी वो व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण ही होती है। जब जल स्तर में कमी आती है क्योंकि जल है वो स्थानांतरित हो जाता है, वो ब्लैंक स्पेस को भरने के लिए नीचे से दूसरा जल आता है, जिस कारण ठंडी जलधारा उत्पन्न होती है निम्न अक्षांशों में। तो निम्न अक्षांशों में यहाँ पर बर्फ के कारण ठंडी जलधारा उत्पन्न नहीं हो रही है, बल्कि किस प्रोसेस कारण हो रही है, अपवेलिंग के कारण हो रही है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको अप्लाई करके, तो देखिए इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। देखिए अब यहाँ पर क्या व्यापारिक पवनों का प्रभाव था, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हम रेड कलर से बना रहे हैं ये आपको देखने को मिलेगा किनारी जलधारा है, ये क्या है, ठंडी है, किस कारण उत्पन्न हो रही है, अपवेलिंग के कारण उत्पन्न हो रही है, क्योंकि देखिए ये इक्वेटोरियल वाली, देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर से बनाते हैं, देखिए ये विषुवत रेखीय वाली थी, तो विषुवत रेखीय वाली जलधारा है इस तरह से आगे गई होगी, तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस बन गया होगा, मतलब यहाँ पर जल है वो आगे चला गया इस स्थान का,
जब आगे चला गया तो नीचे से यहाँ पर पानी आता है इस स्थान को फिल करने के लिए। तो नीचे से पानी आने के कारण जो रेड कलर से हम बनाए हैं तो आपको देखने को मिलेगा ये क्षतिपूर्ति के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए यहाँ पर नीचे से पानी आता है। ओके, कहां से पानी आता है? नीचे से, नीचे से जल आता है। और ये जल क्या होता है आपको देखने को मिलेगा, इसका तापमान कम होता है, ठंडा होता है। इस कारण ही आपको निम्न अक्षांशों में भी आपको ठंडी जलधाराएं उत्पन्न होती दिखाई देंगी। तो किनारी जलधारा क्या है? ठंडी जलधारा है। इसी तरह से आपको इधर वाली जो जलधारा जो रेड कलर से हम बना रहे हैं ये भी क्या है? ठंडी जलधारा देखने को मिलेगी। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगी ये पेरू जलधारा, ये भी क्या है? ठंडी जलधारा देखने को मिलेगी। इसी तरह से इधर आपको देखने को मिलेगी कैलिफोर्निया वाली जलधारा, ये भी क्या है? इसी तरह से आपको देखने को मिलेगी, ये क्या है? ठंडी जलधारा देखने को मिलेगी। ओके, तो देखिए ठंडी जलधाराएं किस तरह से कहां पर उत्पन्न हो रही हैं, आप लोग समझ गए ना? तो देखिए यहाँ पर जो ठंडी जलधाराएं उत्पन्न हो रही हैं, एक व्यापारिक पवनों का जहां पर प्रभाव होता है, तो जिस स्थान पर व्यापारिक पवनों का प्रभाव होगा वहां पर महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर या फिर महासागरों के पूर्वी भाग पर ठंडी जलधारा का प्रभाव रहता है। और आपसे पूछा जाए किसका तापमान कम होगा, किस भाग का, तो आप जाहिर सी बात बता देंगे कि जहां पर व्यापारिक पवनों का प्रभाव होता है, जहां पर व्यापारिक पवनों का प्रभाव होता है, तो व्यापारिक पवनों के प्रभाव वाले क्षेत्र में, ओके, व्यापारिक पवनों के प्रभाव वाले क्षेत्र में अगर हम महासागर की बात करें तो महासागर के पश्चिमी भाग और दूसरा लेते हैं पूर्वी भाग। एक सेकेंड, एक्चुअली फोन मम्मी का आ रहे हैं मेरे। हेलो हेलो हेलो, एक्चुअली मम्मी से 2-3 दिन हो गए हैं बात नहीं हुई है, और अभी मेरे मोबाइल में बैलेंस भी खत्म हो गया है तो कॉल नहीं कर पाएंगे। अब मम्मी कहेगा तो बताना पड़ेगा एक बार। और हमारे यहाँ क्या है, मैं जब भी कॉल करता हूँ मम्मी को, कल परसों से मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और ओले बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो ओले बारिश की वजह से लाइट नहीं आ पा रही है। हमारे मम्मी पापा हैं वो गाँव में ही रहते हैं, तो जिस कारण वहाँ पर लाइट नहीं आ रही है तो मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पा रहा है, और धूप नहीं निकल रही है तो सोलर पैनल भी काम नहीं कर रहा है, तो सोलर पैनल से भी वो चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमारे इधर जो पीलीभीत हमारा पड़ता है, मतलब उत्तराखंड के एकदम पास में पड़ता है, तो वहां पर तापमान बहुत कम होता है। फिर से फोन आ गया। हेलो हेलो पापा, नमस्ते पापा, भी क्लास ले रहे हैं अभी, हम कॉल करते हैं। ओके, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो हमारा पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा। वहां पर बहुत ज्यादा अभी ठंड पड़ रही है। अभी मम्मी जब भी फोन करती है तो मम्मी कहती हैं बेटा अच्छे अच्छे से ब्लोअर विलोर चला लिया करो, मतलब हीटर वीटर चला लिया करो और रजाई वजाई अच्छे से ओढ़ा करो। और हम लोग यहाँ पर कम्बल ओढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर ठंडी नहीं पड़ती है ज्यादा। अभी ऐसा मौसम है कि नॉर्मली देख रहे हैं आप, हम ये पहने हुए फिर भी हल्का हल्का पसीना हमको आ रहा है। ओके, यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा रहता है, इसीलिए हमको यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, और इसी वजह से हम घर पर नहीं जा रहे, वरना घर पर हमारे काफी बड़ा हमारा एक घर है जो पीलीभीत में है, वो उसमें कोई नहीं रहता, मतलब बहुत सालों से बंद है क्योंकि एक्स्ट्रा मकान होने की वजह से वो खाली पड़े रहते हैं। तो वहां पर ऑफलाइन क्लासेस भी हम स्टार्ट कर सकते हैं जाकर के, लेकिन वहां पर ठंडी बहुत पड़ती है और ठंडी में हमारी तबीयत खराब हो जाती है, तो इस वजह से हमको यहाँ रहना पड़ता है। वरना वहां पर तो ऑफलाइन सेटअप भी बहुत अच्छे से बन जाएगा कि हमारा घर ही है जो वो खंडर टाइप के होते चले जाने, क्योंकि रहने वाला कोई नहीं है, सारे हमारे भाई बहन है वो सब बाहर ही रहते हैं, कोई दिल्ली रहता है, कोई मुंबई में रहता है, और हम यहाँ पर अभी बड़े हुए हैं। और जो हमारी भी फैमिली है वो आधे लोग हैं, जैसे हमारे भैया भाभी हैं वो लोग पीलीभीत में रहते हैं, वो वहाँ पर ही सेटल हो गए हैं, दीदी हैं वो अलग रहती हैं, सभी लोग अलग अलग रहते हैं, तो होते हैं, कोई बात नहीं। आप अवधि बोले हैं? हाँ, हम अवधि ही बोलते हैं एक्चुअली। घर पर जब भी बात करते हैं वो फ्लो में आ जाता है, घर पर ऐसे नहीं बोल पाते हैं नॉर्मली जैसे आप लोगों से बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है हम लोगों की इधर की लैंग्वेज। और यहाँ पर अगर आप लोग कानपुर में रहते होंगे, उरई में रहते होंगे, तो जो कन्नौजी भाषा होती है और अवधि भाषा होती है और जो ब्रज की भाषा होती है वो हम लोगों की लगभग में मिलती जुलती होती है, 90-95% सेम भाषा आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जिस टाइम अभी हम जिस प्रेजेंट टाइम में जहाँ पर रहते हैं यहाँ की लैंग्वेज तो एकदम अलग है, हम जब भी सुनते हैं तो हमें बहुत ज्यादा ऑकवर्ड भी लगता है क्योंकि यहाँ पर ऐसे बोलते हैं। एक्चुअली आप लोग मजाक मत बनाइएगा, किसी भी भाषा की मजाक नहीं बनाना चाहिए, लेकिन बोलते हैं तो थोड़ा सा अलग लगता है। जैसे यहाँ पर बोलते हैं
कभी कभार निकल भी जाता है, बहुत सालों से यहाँ पर रहते हैं, तो इस वजह से जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं ऐसे मटर की सब्जी बनानी है, तो यहाँ के लोग बोलते हैं अरे मटर बा बना ले। तो यानी हर चीज में जैसे मुझे बोल नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ के लोग है ना हर चीज में बा लगा देते हैं लास्ट में, मतलब उसको बहुत ज्यादा प्रोनाउंसिएशन करते तो बहुत ज्यादा उसको खींच देते हैं, ऐसे मटर बा है। जैसे कि कहीं घूमने जाते हैं तो ऐसे कुछ बोलते हैं, अभी मुझे बोल नहीं मिल रहा है, कोई बोलता है साथ में, हाँ भोजपुरी बोलते हैं तो बहुत खतरनाक बोलते हैं। आंटी जी की भाषा तो मुझे समझ में नहीं आती, यहाँ पर जहाँ पर हमारे स्टूडियो है यहाँ पर अगर आंटी जी हमसे बात करती हैं तो मैं उनके एक दो वर्ड समझता हूँ, फिर एक दो वर्ड से ही मैं पूरा सेंटेंस का सेंस निकालता हूँ कि हाँ आंटी जी ये पूछ रही है, मुझे इस तरह से रिस्पॉन्स करना है, और आंटी जी मेरी बात को नहीं समझ पाती, क्योंकि आंटी जी प्योर मतलब भोजपुरी बोलती हैं, और प्योर भोजपुरी होता है वो थोड़ा खतरनाक होता है, समझ में इतना नहीं आ पाता है। लेकिन जैसे हमारे दोस्त लोग हैं, अब उनके साथ रहते रहते और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, तो रहते रहते थोड़ा सा हैबिचुअल हो गए हैं, तो अब इतना नहीं लगता है। जैसे हमारे यहाँ का भोजन भी अलग है, यहाँ का एकदम भोजन ही अलग है, यहाँ के लोग हैं जैसे कि यहाँ का बहुत ज्यादा ट्रेंड चलता है, खासकर स्टूडेंट में आपको देखने को मिलेगा, दाल चावल सब एक ही बना लेते हैं, चोखा एक ही बना लेते हैं, तो चोखा होता है वो यहाँ पर ही आकर के हम खाना प्रारंभ किए। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि जो बाटी होता है, बाटी चोखा, हम फर्स्ट टाइम खाए थे, हम सोचे थे यार ये क्या खिला दिया हमको, हम एक ही बाइट खाई थे, फिर उसके बाद हमें खाने का मन ही नहीं किया, इतना बेकार लगा। लेकिन अब रहते रहते बाटी चोखा इतना अच्छा लगने लगा है यहाँ का, कि अब जब भी घूमने जाते हैं तो समोसे कभी नहीं खाते, पहले हम समोसे ही खाते थे सिर्फ, लेकिन अब बाटी चोखा खाते हैं, क्योंकि वो हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा होता है, अब टेस्टी भी लगने लगा है। और यहाँ पर जो एक बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, जो ये जो लाही टाइप का होता है ना, यहाँ पर चूरा भून के देते हैं एक्चुअली, जैसे यहाँ पर ठेले चलते रहते हैं उन्हीं के पास में एक भट्टी भी होता है, और उसी भट्टी में चूरा भून देते हैं, और चूरा भूनने के बाद उसमें थोड़ा सा चने डालते हैं, मूंगफली डालते हैं, और मिर्च डालते हैं, और तीखा तीखा बना करके देते हैं, उसको लाही बोलते हैं कुछ बोलते हैं यहाँ पर, यहाँ पर लोकल में बहुत ज्यादा यहाँ पर बिकता है वो। तो वो पहले तो हमने खाए थे, हम सोचे थे कि क्या चीज यहाँ पर देते हैं, और यहाँ पर ठेले पर धुआं निकलता रहता है, तो बाद में खाए थे तो थोड़ा सा अच्छा लगा था। तो वो हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा होता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन भी मिल जाता है, एक्स्ट्रा एनर्जी भी मिल जाती है, तो जब भी जाते हैं तो वो अब खा करके आते हैं। तो यहाँ पर नई नई चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। देखिए भोजपुरी आप लोग बोल रहे हैं कि भोजपुरी देखिए बोलना थोड़ा सा हार्ड होता है, हम लोग नहीं बोल पाते, क्योंकि हमारी जो मदर टंग है वो दूसरी रही है, तो हर कोई होता है वो अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज में बोल पाता है यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं और इसको कवर करते हैं, ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा ही बचा है। तो देखिए यहाँ पर व्यापारिक भवनों का जहां पर प्रभाव होता है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो पश्चिमी भाग होता है, महासागर की बात कर रहे हैं, देखिए महाद्वीप का जो पश्चिमी भाग होगा वो महासागर का पूर्वी भाग होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं वरना आप लोग कंफ्यूज जाएंगे, हम बात कर रहे हैं महासागर की बात कर रहे हैं। तो महासागरों के पश्चिमी भाग में जहां पर व्यापारिक भवनों का प्रभाव रहता है, तो आपको देखने को मिलेगा तापमान अधिक देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम महासागर के पूर्वी भाग की बात करें तो वहां का तापमान आपको कम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर इस कारण, देखिए कारण समझ गए आप लोग, कारण समझ गए आप लोग आंसर कर देंगे। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जहां पर पछुआ पवन का प्रभाव रहता है, ये तो व्यापारिक पवन की चलिए बात हो गई, जहां पर पछुआ पवन का प्रभाव रहता है, पछुआ पवन का प्रभाव रहता है, तो पछुआ पवन में क्या होता है, इसका विपरीत होता है, क्या होता है आपको देखने को मिलेगा, विपरीत आपको देखने को मिलेगा। ओके तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए इसमें क्या होगा, क्योंकि पछुआ पवन है उसकी दिशा किधर से किधर की ओर होती है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, तो पछुआ पवन के कारण ही आपको देखने को मिलेगा जो पछुआ पवन के प्रभाव में, तो यहाँ पर जो महासागर का पश्चिमी भाग होगा उसका अपेक्षाकृत तापमान कम देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं पर महासागर का जो पूर्वी भाग होगा उसका तापमान आपको अपेक्षाकृत अधिक देखने को मिलेगा। इस कारण ही आप अगर इस वाले रीजन में आएंगे, लेबराडोर वाले क्षेत्र में आएंगे, तो यहाँ पर तापमान कम देखने को मिलेगा, और उधरी आप इधर नॉर्वे के इधर चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको तापमान अधिक देखने को मिल जाएगा। ओके तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, काफी महत्वपूर्ण होती हैं। ओके चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं और थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, फिर हम लोग आते हैं आगे। ओके तो ये चीज आपने देख ली, तापमान कम रहता है, क्यों रहता है, ज्यादा रहता है, और वहीं पर पश्चिमी भाग पर क्या होता है वो चीज आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर पश्चिमी भाग की ओर क्या होता है, तापमान अधिक देखने को मिलेगा, तापमान
अधिक देखने को मिलेगा। ओके, तो ये चीज है बिस्मत रेखीय और ये दो भागों में डिवाइड करके देख लीजिए। अब देखिए क्या होता है, जब ये इधर आती है और इधर आने के बाद क्या होती है, यहाँ पर आकर के टकरा करके इस क्षेत्र में क्या करेगी, जल स्तर में वृद्धि कर देगी। जल स्तर में क्या होगा, वृद्धि कर देगी और तटों के सहारे ये दोनों ओर, यानी कि ये किधर जाएगी, ये ध्रुवों की ओर जाना प्रारंभ करेगी और इधर नीचे वाली होगी ये भी क्या करेगी, ये ध्रुवों की ओर जाना प्रारंभ करेगी या फिर मध्य अक्षांशों की ओर जाना प्रारंभ करेगी, या कुछ भी बोल सकते हैं, मध्य अक्षांशों की ओर या फिर ध्रुवों की ओर जाना प्रारंभ करेगी। तो देखिए मध्य अक्षांशों की ओर जाना प्रारंभ करेगी तो इस तरह से जाएगी, तो इसके कारण, और ये कहती है इसका तापमान आपको ज्यादा देखने को मिलेगा अपेक्षाकृत, क्या देखने को मिलेगा, अपेक्षाकृत ज्यादा तापमान देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे इधर वाला जो रीजन है यहाँ पर तो क्या हो रहा है, यहाँ पर नीचे से पानी आ रहा है तो वो ठंडा है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए जब ये इस तरह से जो विषुवत रेखा है वो आती रहती है और यहाँ पर जल स्तर में वृद्धि होती रहती है, तो इसके कारण एक आपको देखने को मिलेगा एक प्रतिविषुवतीय जलधारा की उत्पत्ति होती है जो पश्चिम से पूरब की ओर होती है। देखिए ये कौन सी है जो हम अभी इस कलर पे बनाए हैं, ये आपको देखने को मिलेगा विषुवत रेखीय जलधारा है, लेकिन इसी के अपोजिट में, देखिए ब्लैक कलर से हम बना करके दिखाते हैं या फिर इस कलर को ले लेते हैं जिससे आप लोग अच्छे समझ जाएं। तो देखिए ये क्या चलेगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलती है और इसी को बोलते हैं प्रतिविषुवतीय जलधारा। प्रतिविषुवतीय मतलब एंटी इक्वेटोरियल है, एंटी क्यों लगा दिया भाई, इसके विपरीत है, इसके एंटी है, एंटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रति बोलते हैं। ओके, तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्रतिविषुवत रेखीय जलधारा या फिर इंग्लिश में बोलते हैं एंटी इक्वेटोरियल कैनाल के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं ये कहां पर देखने को मिलेगी। तो देखिए इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर बनी हुई नहीं है, कोई बात नहीं, हम बना देते हैं एक्स्ट्रा, कुछ मैप में कुछ चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो ये कुछ इस तरह से चलती है। ओके, तो इसी को बोलते हैं एंटी इक्वेटोरियल, लिख लेते हैं, यहां पर लिखा हुआ नहीं है, एंटी इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल आपको यहाँ पर स्ट्रीम देखने को मिलेगी। ओके, तो ये चीज लिख लेना है और किस तरह से चलती है, इस तरह से चलती है। अभी आपको एक मैप भी सेंड कर देंगे, उस मैप में देखिएगा, उसमें बनी हुई होगी ये चीज। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसकी जो दिशा होती है वो किधर से किधर के लिए होती है और क्यों उत्पन्न होती है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा विषुवत रेखीय हो गया, अब हम लोग इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं प्रतिविषुवतीय रेखा। समझ गए आप लोग क्यों होती है, लेकिन इसके बारे में कुछ चीजें लिख लीजिए, प्रति विषुवतीय जलधारा। ओके, तो देखिए प्रतिविषुवतीय जलधारा है, इसकी उत्पत्ति क्यों होती है, उत्पत्ति क्यों होती है, तो आपको देखने को मिलेगा इसकी उत्पत्ति होती है वो होती है विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय जलधारा के कारण, जलधारा के कारण जो जल का स्तर होता है, मतलब जल होता है वो जाता है और किधर जाता है, आपको देखने को मिलेगा पश्चिम की ओर जाता है, तो जिस कारण पश्चिमी भाग की ओर महासागर के, महासागर के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में जल स्तर में वृद्धि हो जाती है, जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। अब इधर वृद्धि हो जाती है और जिधर कम होगा तो हल्के हल्के आपको देखने को मिलेगा मंद गति से प्रतिविषुवत रेखीय जलधारा की उत्पत्ति होती है। ओके, और इसकी दिशा की अगर हम बात करें, इसकी अगर हम दिशा की बात करें तो देखिए यही आपको जो दिशा है ये पश्चिम से, पश्चिम से पूरब की ओर देखने को मिलेगी। ओके, और इसका कारण क्या है, आपको देखने को मिलेगा जल स्तर, जल स्तर आपको इसका कारण देखने को मिलेगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है, और ये हल्के हल्के चलती है और किस रीजन में, तो ये आपको देखने को मिलेगा यही क्षेत्र क्या होता है, अगर हम ITCZ के बीच के क्षेत्र की बात करें या फिर यहाँ पर आपको ये चीज हम पहले भी पढ़ाए थे डोल ड्रम वाला क्षेत्र, तो डोल ड्रम वाले क्षेत्र में भी आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। तो जैसे डोल ड्रम क्या होता है, वो भी पश्चिम से पूरब की ओर मंद गति से पवन चलती है, और इसी तरह से प्रतिविषुवत रेखीय जलधारा होती है, ये भी आपको हल्के हल्के पश्चिम से पूरब की ओर चलती है, जो कि आपने यहाँ पर समझ ली। ओके, चलिए हम लोग आगे आते हैं और देखते हैं
पछुआ पवनों के कारण किस तरह से सारी चीजें होती हैं। अब देखिए ये तो यहां से इस तरह से जाती है, अब देखिए इधर से क्या उत्पन्न होता है। चलिए हमने ये तो देख लिया, कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर हमने ये तो देख लिया कि जो व्यापारी पवनी है उससे क्या होता है, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पछुआ पवनों का क्या प्रभाव पड़ता है। ओके तो देखिए पछुआ पवन है वो इस तरह से जाती हैं। ओके पछुआ पवन है वो इस तरह से जाती हैं, तो पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण ही, पछुआ पवन की जो दिशा होती है वो किससे किधर की होती है, दक्षिण पश्चिम से आपको देखने को मिलेगा कि उत्तर पूर्व की ओर इनकी दिशा होती है। तो देखिए जो रेड कलर से नीचे से ये जलधारा जा रही थी, यही जलधारा क्या होती है, इसके प्रभाव में आने के कारण इसका दिशा में परिवर्तन आ जाता है, और परिवर्तन आने के कारण इस तरह से इसी दिशा में यानी कि ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाना प्रारंभ कर देती है, और यही जो आपको देखने को मिलेगा इस तरह से क्या होगा, नॉर्वे की इधर जो जा रही थी वही ये जलधारा है, जो नॉर्वे की इधर जा रही थी इंग्लैंड से होते हुए ऊपर के लिए जाती है वही ये जलधारा देखने को मिलेगा। सेम प्रोसेस इधर भी देखने को मिलेगा। ओके सेम प्रोसेस आपको इधर भी देखने को मिलेगा। ओके तो देखिए इस तरह से ये चलती हैं। ओके तो ये भी क्या चलेगी, कुछ इस तरह से ही चलेगी। ओके तो देखिए एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट बन जाता है ना, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता इन सारी चीजों से। तो चलिए देखते हैं ये जलधारा कहाँ जा रही है। तो ये जलधारा हम लोग एक बार अपना कॉन्सेप्ट बना लिए, अब हम लोग एक बार देख लेते हैं ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए ये वाली इस तरह से जाती है, यही वाली आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हमारे पास में बहुत ज्यादा पॉज पॉज हो गया है, एक बार आप लोग खुद से देख लीजिए जा करके। ये देखिए नॉर्मे की जलधारा है, यही जलधारा की हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। ओके तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है। और इसी तरह से ध्रुवीय पवनों के प्रभाव के कारण आपको देखने को मिलेगा, ऊपर से भी पवने आती हैं। तो देखिए और साथ में ग्लेशियर है वो भी पिघलता है, तो यहाँ पर जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। ये क्या है, अपेक्षाकृत आपको ठंडी देखने को मिलेंगी। ओके क्या देखने को मिलेंगी, अपेक्षाकृत आपको ठंडी देखने को मिलेंगी। ओके तो देखिए चलिए हम लोग आते हैं इनकी दिशाओं के बारे में, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को बता देते हैं, वैसे ज्यादा कुछ नहीं बचा है, सब कुछ आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। जलधाराओं की दिशा, ओके दिशा को निर्धारित करने वाले कारक, निर्धारित करने वाले कारक। ओके तो देखिए हम अगर इन कारकों की बात करें तो इसमें एक आपको देखने को मिलेगा पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति। ओके तो देखिए घूर्णन गति के कारण कोरियालिस फोर्स लगता है, एक विक्षेपक बल लगता है जो कि अभी हम आपको बता चुके हैं। इस कारण ही विक्षेपक बल के कारण ही आपको देखिए जो साउथ हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलेगा। ओके साउथ हेमिस्फीयर का मतलब है दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पर जगह ज्यादा नहीं है, आप हम बोल रहे हैं आप आराम से नोट कर लीजिए साउथ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एंटी क्लॉकवाइज। और उसी तरह से अगर हम नॉर्थ हेमिस्फीयर मतलब उत्तर की बात करें तो देखिए वहां पर आपको देखने को मिलेगा क्लॉकवाइज। ओके इनकी दिशाओं में परिवर्तन होता है। इसके अलावा जल धाराओं की जो दिशा को परिवर्तित करते हैं यानी कि निर्धारित करते हैं, उनमें तटीय रेखा भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो हम आपको बताए थे कि तट का स्वरूप कैसा होगा, तट का स्वरूप कैसा होगा एवं उसका विस्तार कितना है, उसका विस्तार है कितना है। ओके तो विस्तार की दिशा क्या है, तो ये चीज क्या करेगी, डिसाइड करेगी। जैसे कि मानते हैं ओके कोई सा भी मान लेते हैं, कोई भी महाद्वीप हम ले सकते हैं, जैसे कि मानते हैं ये क्या है अमेरिका वाला क्षेत्र है, ओके दक्षिणी अमेरिका वाला क्षेत्र है। ओके तो देखिए यहाँ पर इस तरह से अगर जलधारा इसकी तट के किनारे किनारे चलेगी तो देखिए इस तरह से ये जलधारा चलेगी और इस तरह से ऊपर चली जाएगी। ओके और इस तरह से इधर आपको यही सेम प्रोसेस आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको लिखना है, तो इसके अलावा आपको देखने को मिलेगी पवन की दिशा, पवन की दिशा है वो भी जलधाराओं की दिशा को निर्धारित करता है। जैसे आपको दो एग्जाम्पल देते हैं, देखिए मानते हैं ये क्या है 0 डिग्री है और मानते हैं ये हमारा क्या है प्यारा भारत है, दिख रहा है आप लोगों के लिए। अब देखिए जब ग्रीष्म ऋतु होती है
ओके, ग्रीष्म ऋतु होती है, तो पवने क्या होती है, मानसूनी पवने यहाँ पर चलती है, तो मानसूनी पवनों के कारण इस तरह से जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। और वही ये क्या है, फर्स्ट कंडीशन है। अगर हम दूसरी कंडीशन लें तो आपको देखने को मिलेगा जब पवनों की दिशा परिवर्तित होती है, मतलब ये 0 डिग्री है और मानते हैं ये क्या हमारा प्यारा इस तरह से भारत है। अब देखिए जब यहाँ पर मानसून या शीत ऋतु में लौट करके आएगा तो भाई यहाँ पर क्या होगी, दिशा परिवर्तित हो जाएगी। अब क्या होगी, इस तरह से इधर के लिए अब जलधाराओं की उत्पत्ति होगी। ओके, ये क्या है, शीत ऋतु का समय है और ये क्या है, ग्रीष्म ऋतु का समय। तो ये कोई भी रॉकेट साइंस वाली चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। अब क्या है, हम लोग एक बार देख लेते हैं, नाम देख लेते हैं, बस नाम देख लिए और ठंडी गर्म तो आप लोग बता ही देंगे, दिशा भी बता देंगे, किस तरफ की गर्म होगी, किस तरफ की ठंडी होगी, सब कुछ ए टू जेड आप लोग बता देंगे। चलिए हम एक मैप यहाँ पर डाल देते हैं जिससे आप लोग अच्छे से यहाँ पर समझ लें। एक सेकेंड आप लोग रुकेगा, बस एक सेकेंड रुकिए, मैप को ऐड कर लेता है। ओके, यहाँ पर लग गया है, अब हम लोग चलते हैं, पढ़ाई करते हैं। ओके, तो देखिए ये चीज आपको देखने को मिलेगा, जैसे जो एंटी इक्वेटोरियल बता रहे थे वो नहीं दिख रहा था ना, देखिए इसमें दिया रखा है। ओके, देखिए ये किस तरफ जा रहा है, इस तरफ इसकी दिशा देखने को मिलेगी। और इसका नाम क्या है आपको देखने को मिलेगा, काउंटर इक्वेटोरियल या फिर एंटी इक्वेटोरियल के नाम से भी जानते हैं। ओके, काउंटर का मतलब क्या है, इसके विपरीत, उसको काउंटर कर रहा है। और ये क्या है, इक्वेटोरियल है, नॉर्थ में है तो इसलिए नॉर्थ इक्वेटोरियल वाला इसको बोल दिया। इसी तरह से ये साउथ में, तो इसको साउथ इक्वेटोरियल बोल दिया। ओके, तो देखिए उनके नाम के आधार पर इस तरह से बोल दिया जाता है। चलिए हम लोग इनके एक बार नाम देख लेते हैं। तो देखिए इधर आपको केनारी जलधारा देखने को मिलेगी, ये कैसी होगी, अपेक्षाकृत ठंडी होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये व्यापारिक पवनों के प्रभाव में, प्रभाव वाला क्षेत्र है। और व्यापारिक पवनों के प्रभाव वाले क्षेत्र में आप लोग जानते हैं महासागरों के पूर्वी भाग पर ठंडी जलधाराओं का प्रभाव होता है। ओके, क्यों होता है आप लोग बता सकते हैं आराम से। ओके, तो देखिए इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा ये मेडागास्कर, नाम ध्यान है, अगर आपको अभी मैपिंग नहीं पढ़ा इसलिए नाम अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, आप लोग बाद में जैसे ही मैप पढ़ेंगे इनके सभी के नाम याद हो जाएंगे। देखिए मेडागास्कर है, अब मेडागास्कर के किनारे जो चल रही है उसको हम बोल देते हैं मेडागास्कर जलधारा। ये कैसी होगी, गर्म होगी, क्योंकि किस क्षेत्र में आ रही है, व्यापारिक पवनों के प्रभाव वाले क्षेत्र में आ रही है। व्यापारिक पवनों के प्रभाव वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा महासागरों के पश्चिमी भाग में गर्म जलधारा का गर्म जलधारा होती है, और वहीं आपको पूर्वी भाग में ठंडी जलधारा देखने को मिलेगी, तो इसीलिए क्या होगी, गर्म होगी। और इधर थोड़ी आगे यही जाती है तो इसको अगुहास की जलधारा बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं, क्योंकि भाई ये उस क्षेत्र में है। इसी तरह से मोजाम्बिक चैनल देखने को मिलेगा, तो देखिए मोजाम्बिक चैनल के पास में चलती है उसे मोजाम्बिक जलधारा बोल देते हैं। सोमालिया आपको देखने को मिलेगा, इस सोमालिया के पास में जो चलती है उसको क्या बोल देते हैं, सोमालिया जलधारा बोल देते हैं। ओके, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के पास में चलती है इसको बोल देते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा बोल देते हैं। ओके, और देखिए ये वाली जो है ये किस क्षेत्र में आती है, तो आप लोग जानते हैं पछुआ पवन के क्षेत्र में आती है, जिस कारण यहाँ पर ठंडी जलधारा गर्म जलधारा का निर्माण होता है। तो आप लोग आराम से बता सकते हैं किस तरह से ये सारी चीजें होती हैं। और इनमें थोड़ा सा परिवर्तन आता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा ये व्यापारिक पवनों और पछुआ पवनों दोनों के प्रभाव में आपको देखने को मिलेगा, जिस कारण यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन भी आता है। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से पेरू के इधर जो चलती है तो वो आपको देखने को मिलेगी, इसको पेरू या फिर हम्बोल्ट की जलधारा बोलते हैं, क्योंकि ये पेरू तट के किनारे चल रही है। पेरू तट के किनारे चलने के कारण इसको क्या बोल देते हैं, हम पेरू जलधारा या फिर हम्बोल्ट की जलधारा बोल देते हैं। ओके, तो और देखिए इसको इधर आप देखेंगे तो ये फ्लोरिडा, यहाँ पर ये फ्लोरिडा देखने को मिलेगा, फ्लोरिडा प्रायद्वीप है। तो देखिए फ्लोरिडा प्रायद्वीप के पास में चलती है तो इसलिए इसीलिए इसको फ्लोरिडा जलधारा बोल देते हैं। आगे जाती जाती है तो इसी को
गल्फ स्ट्रीम का नाम दे देते हैं। स्ट्रीम क्यों हो गई, यानी कि बहुत सारी जलधाराएं आकर के यहाँ पर मिल रही होगी, तो इसीलिए इसको स्ट्रीम का नाम दे दिया। यहाँ पर लेब्राडोर देखने को मिलेगा, तो ऊपर से जो जलधारा आ रही है इस ठंडी है, क्यों ठंडी है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ के पिघलने से आ रही है। और किस क्षेत्र से आ रही है भाई, किसके पास से आ रही है, जो फेमस चीज है लेब्राडोर, तो हमने इसको लेब्राडोर धारा बोल दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये लेब्राडोर सी है, ये लेब्राडोर सागर है, और लेब्राडोर सागर होने के कारण ही हमने इसको नाम क्या दे दिया, लेब्राडोर धारा का नाम दे दिया। ओके, इसी तरह से आप देखिए ये नॉर्वे के पास में, तो इसीलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, नॉर्वे की जलधारा। ये क्या है, उच्च अक्षांश पर होने के बावजूद भी ये क्या है, अपेक्षाकृत गर्म है। ये चीज आपको देख, क्योंकि ये पछुआ पवनों के प्रभाव में आपको देखने को मिलेगी, इस तरफ आ जाती है। इसी तरह से रेनले जलधारा आपको देखने को मिलेगी। ओके, और आप सभी जलधाराओं के नाम देख सकते हैं, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है तो हमने इसको क्या बोल दिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। ओके, पश्चिम में होगा तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा हम बोल देंगे। तो ये सारी चीजें आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ओके, तो आप लोग इनके नाम है, बस आप लोग स्थान के नाम देखेंगे। जैसे ये देखिए ब्राजील के इधर है, तो देखिए ब्राजील की जलधारा बोल दिए, और ये क्या होगी, आपको गर्म देखने को मिलेगी। इधर नीचे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर फकलैंड आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर फकलैंड की जलधारा इसको नाम दे दिया। तो हम क्या किए, सिर्फ इधर देखिए आप लोग क्यूराइल जलधारा देखने को मिलेगी, या फिर ओयो सिकोकू की जलधारा भी इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। ओके, तो आप लोग समझ गए ना किस तरह से जलधाराओं के नाम याद करने, आधी से ज्यादा तो आप लोग ऐसे ही बता देंगे। पेरू किधर है, ब्राजील किधर है, ब्राजील के पास में ब्राजीलियन बोल देंगे, पेरू के पास में पेरू वाली बोल देंगे, ऑस्ट्रेलिया के पास में ऑस्ट्रेलिया बोल देंगे, मोजाम्बिक चैनल के पास में मोजाम्बिक चैनल की जलधारा बोल देंगे, मेडागास्कर की है तो उसे मेडागास्कर का नाम दे दिया। इसी तरह से ऊपर भी आप जाएंगे तो एंटलीज की जलधारा, इस तरह से कैलिफोर्निया किधर है तो हम बोल देंगे कैलिफोर्निया की जलधारा, क्योंकि ये क्या है, ये कैलिफोर्निया आपको देखने को मिलेगा, और यही एक तरह से एक छोटा सा खाड़ी टाइप का है। तो देखिए हम जो चीज हमको दिख रही है वही का हम नाम दे देते हैं। तो इधर अलास्का की, यहाँ पर आपको नहीं दिख रही होगी, ये अलास्का वाला रीजन है, तो इसको हमने अलास्का की जलधारा बोल दिया। ओके, और इसके अलावा छोटी मोटी भी बहुत सारी जलधाराएं होती हैं, वो भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसमें देख सकते हैं, छोटी मोटी भी आपको कुछ देखने को मिल जाएंगी। इसमें नहीं है एक्चुअली, वो दूसरा आप लोगों के लिए सेंड कर देंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए स्पष्ट जलधाराएं कहाँ पर होती, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको बता देते हैं जो हो सकता है आपको बुक में देखने को ना मिले। देखिए स्पष्ट जलधाराएं वहां पर ही होंगी जहां पर छिछली जगह पाई जाएगी। अब देखिए स्पष्ट जलधाराओं का निर्माण आपको देखने को मिलेगा उत्तरी गोलार्ध में होता है। कहां होता है, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में क्यों होता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंड ज्यादा पाए जाते हैं, महासागरों का प्रभाव ज्यादा होता है, जिस कारण स्थलखंड ज्यादा पाए जाने के कारण यहाँ पर छिछली जगह पाई जाती हैं, मतलब गहराई कम होती है, और जहां पर गहराई कम होती है वहां पर ही स्पष्ट रूप से जलधाराओं का निर्माण होता है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में स्थलखंडों का अभाव पाया जाता है, इस कारण जलधाराओं का सामान्य प्रतिरूप नहीं बन पाता है। तो यहाँ पर जलधाराओं का जो सामान्य प्रतिरूप बनना चाहिए था, सामान्य प्रतिरूप नहीं बन पाता है, क्योंकि यहाँ पर किस प्रकार की चीजें होती हैं, और यहाँ पर ज्यादा जलधाराएं आपको ठीक से देखने को नहीं मिलेंगी, स्पष्ट रूप से देखने को नहीं मिलेंगी, ये आपको बहुत ही मंद गति से देखने को मिलेंगी, और बहुत ही आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पर गहराई अधिक होने के कारण स्पष्टता नहीं पाई जाती है, पता ही नहीं चलता है यहाँ पर कोई जलधारा है भी या फिर नहीं। लेकिन इधर आप लोग देखेंगे तो आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। समझ में आ गया, अगर किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए घुमा फिरा करके कॉन्सेप्ट लगाइएगा। बस मैपिंग अभी आपको पढ़ा देंगे, आप लोग क्या बन जाएंगे, एकदम सुपर फास्ट बन जाएंगे। कॉन्सेप्ट बता दिए, मैप बता दिए, फिर क्या हो गए, आप तो राजा बाबू बन गए। चलिए आज का लेक्चर है यहाँ पर ही फिनिश कर देते हैं। अगर आप लोगों के लिए कोई भी डाउट है आज के लेक्चर से रिलेटेड आप लोग बता दीजिए, अन्यथा क्लास को यहाँ पर ही ऑफ कर दिया जाता है। ओके।